नमस्कार, RCI के नवशिखर चैनल पर मैं पूजा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इस टॉपिक पे हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस रश्मि नायर फ्रॉम NIMH। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो दोस्तों, हम कम्युनिकेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस कहूँगी मैं जो कि एक बेसिक प्रोसेस होता है जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट, मतलब अपनी फीलिंग शेयर करना, बताना, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है जिसके थ्रू एक बच्चा अपनी फीलिंग शेयर करता है या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। अगर यही चीज़ लैप्स होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है, उसके एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, या फिर जब वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेन हमारा यही आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा स्टूडियो नंबर है 0112-65-11-609। आप हमें फैक्स करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 0112-65-11-611। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rehabcouncil.nic.in। आप हमें ईमेल करके भी अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज, या अगर आप हमसे कोई भी सवाल, कुछ भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rehabstudy@ndc.vsnl.net.in। सो मैम, कंटिन्यू, आप हमें ये बताएं कि क्या होता है ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और क्या क्या रीजंस होते हैं इसके। जैसे कि आपने पहले बोला कि कम्युनिकेशन मतलब अपनी जो भाषा है, साइन लैंग्वेज हो सकती है या स्पीच हो सकता है या रिटन फॉर्म हो सकता है, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ अपने इंफॉर्मेशंस हो या अपनी फीलिंग्स हो या अपनी जो भी चीज़ें हम जो शेयर करना चाहते हैं उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम की शुरुआत करते ही डॉट इन आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैम, सुनने की जहाँ तक बात की जाए, एक आम आदमी सिर्फ इतना समझता है कि सामने वाला कोई बात कह रहा है, वो बात हमारे पास तक पहुँच रही है, या कमरे में कहीं पर म्यूज़िक बज रहा है, वो आवाज़ हमारे पास तक आ रही है, या किसी भी तरह का शोर जो कि हमारे कानों तक पहुँच रहा है, हम उसको सुन रहे हैं। ये एक लेमेन का सुनने को समझना इसी तरह से होता है। लेकिन एक इस फील्ड में काम करने वाले एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसकी टेक्नोलॉजी को, इसको किस तरह से डिफाइन करती हैं और किस तरह से समझती हैं? सुनने का हमारी ज़िंदगी में, जैसे कि अमित जी आपने भी बताया, बहुत महत्व है। और हम इसकी महत्वता तभी समझते हैं जब हम इससे वंचित हो जाते हैं किसी भी कारण से। हमारी सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण हमें ना सुनाई दे, उसके बाद ही हम रियलाइज़ करते हैं कि ये सुनने की जो शक्ति है जिसको हमने इस तरीके से स्वीकार किया कि हमेशा से हमारे साथ थी, यदि वे हमारे पास नहीं रहती तो हम किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आप एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि नॉर्मली जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं, किसी भी वजह से जब हम उसका लॉस कर देते हैं या हमारे पास से वो चली जाती है तो हमें उसकी रियल कीमत समझ में आती है। और कहीं ना कहीं हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड दोस्तों को इस तरह की फीलिंग से होकर के गुजरना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ उन बताएं कि उनके दिमाग में इस समय ऐसी सिचुएशंस में क्या चलता है। बिल्कुल सर, इससे डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सुनने का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। हियरिंग इन अवर लाइफ, हियरिंग हेल्प्स टू मॉनिटर वंस ओन स्पीच एज अ स्पीकर एंड स्पीच ऑफ अदर्स एज लिसनर, रिसीविंग इनकमिंग मैसेजेस एज अ लिसनर, लाइफ सेविंग सिग्नल्स, एक्विजिशन ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल्स। तो जो पहला पॉइंट है वो तो हम सब यही जानते हैं कि सुनने की शक्ति अगर हमारी ठीक है तो हम अपनी आवाज़ और साथ साथ दूसरा क्या बोल रहा है उस चीज़ को भी मॉनिटर करते हैं। हम लिसनर एज वेल एज स्पीकर का काम करते हैं, और रिसीविंग इनकमिंग सिग्नल्स एज ए स्पीकर, जो दूसरा बोलेगा उनको हम समझ के जो उस जिस तरीके का हमें रिएक्शन करना है वो सुनने के बाद ही कर पाते हैं। तीसरा है लाइफ सेविंग सिग्नल्स, यदि कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिनका बोलने ज़रूरी नहीं है कि वो हम बोलेंगे तो ही कुछ उनका अर्थ निकलेगा। जैसे कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो अगर कोई कार का हॉर्न आता है
तो ये एक यूनिवर्सल इंस्टिंक्ट है हम सब में कि हॉर्न का मतलब है खतरा. तो अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो वो सुनते साथ ही या तो हम साइड पर हो जाएंगे, या अगर कहीं और से कुछ ऐसी आवाज़ आती है जो कि नॉर्मल आवाज़ से बढ़ के है, तो हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है या कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है जो इतना ज़ोर से आवाज़ आ रही है. तो एक तरीके से ये लाइफ सेविंग सिग्नल, एक अवेयरनेस का साउंड हमारे लिए आता है. खुद को बचाने के लिए तो आता ही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड आ रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो हम ये समझ लेते हैं कहीं दूसरा आदमी डेंजर में तो नहीं है. जैसे कि अगर एक एम्बुलेंस का साउंड आ रहा है तो हमारे माइंड में अगर हम ड्राइवर हैं तो यही रहता है कि हम अपनी गाड़ी साइड पे करके उस एम्बुलेंस को जगा दें ताकि जिस व्यक्ति को जरूरत है उसकी वो जल्दी अपनी जगह पे पहुंच पाए. तो लाइफ सेविंग सिग्नल्स जो हैं वो हमारे पास तभी आते हैं अगर हमारे कान जो हैं वो सही काम कर रहे हैं और अगर हम उनका प्रयोग सही ढंग से कर पा रहे हैं. और जो लास्ट है नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो या पैदा हुआ होता है. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चा जो है बिना मतलब हम उसको रिपीट करते करते वो खुद सुनने लगता है और उन चीज़ों को एसोसिएट करने लगता है. तो एक नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज मतलब भाषा और वाणी के विकास के लिए सही तरीके से सुनना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसे कि पहले जो हमारे शोज़ हुए हैं या और भी जो यहाँ पे आए हैं एक्सपर्ट्स आए हैं, उन सभी ने इस बात की इम्पोर्टेंस सब सुनने वालों को बताई है कि जब तक हम इंफॉर्मेशन सुनेंगे नहीं उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने वर्ड्स हम जानते हैं हमारी वोकैबुलरी में है वो एक एक करके हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. क्योंकि हमारी डिक्शनरी में अराउंड 1000 से बहुत 1000 वर्ड्स हैं. तो अगर हम रिकलेक्ट करें तो हमारे पेरेंट्स ने हमें एक एक वर्ड नहीं बैठ के सिखाया कि इसको ये बोलते हैं इसको वो बोलते हैं. हम सुन सुन के आसपास के एनवायरनमेंट में कभी टीवी से कभी दो लोगों के कॉन्वर्जेशन से या फ्रेंड्स जो रिलेट करते हैं वो सुन के वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं और जब सही समय आता है तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप रियलाइज़ करें कि सुनना हर एस्पेक्ट में एक्टिवली ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमें जवाब देना है किसी चीज़ का, इसलिए सुनना इंपॉर्टेंट है. कुछ सुन के उसको अपने दिमाग के एक एरिया में स्टोर करना और सही टाइम पे उसका प्रयोग करना, उसके लिए भी श्रवण क्षमता जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. ये बात सिर्फ डिक्शनरी और वर्ड्स की मीनिंग या ह्यूमन कन्वर्सेशन के वॉइस तक ही डिपेंड नहीं करती है. इसके अलावा भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह के साउंड्स होती हैं और उनका एक खास मतलब हमारी जिंदगी में होता है. इन सारी चीजों को हम डिक्शनरी में नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन उनका कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है और उनको समझना सिर्फ तभी हो सकता है जबकि हमारी हियरिंग कैपेसिटी सही ढंग से काम करे. अभी जैसे हम आज की अपने इस शो में आगे की तरफ जाएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब एक बच्चे को हियरिंग एड लगा दी जाती है तो जैसे 5 साल का बच्चा उसको हियरिंग एड लगाई जाए उसके बाद हमें उसको हर उस आवाज़ का एहसास करवाना पड़ता है जो 5 साल तक एक नॉर्मल बच्चे ने बिना ट्रेनिंग के सीख ली है. जी, जी. तो हो सकता है बच्चे को आवाज़ आ रही है मगर उसको मालूम ही नहीं किस चीज़ की आवाज़ है. इस बात का मतलब क्या है? बिल्कुल, इसका मतलब क्या है. तो वो ट्रेनिंग उस लेवल से स्टार्ट होती है. इसीलिए बोलते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी को सुनने की प्रॉब्लम है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. इसके बिना अच्छा प्रोग्नोसिस करना जो है वो इम्पॉसिबल है, मुश्किल हो जाता है. तो सुनने की हमारी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने 4 पॉइंट्स के थ्रू जो है वो आपको बताई है. इसके बाद हम अगर जाएं तो आता है कि अब हम सुनते कैसे हैं. आप एक कहीं ना कहीं इस बात पर इशारा कर रही हैं कि हमारे सुनने का जो प्रोसेस है हमारे खास करके हमारे कान का वो किस तरह से टेक प्लेस होता है. क्योंकि आखिर सुनने का टोटल प्रोसेस जो वर्क स्टार्ट होना है वो हमारे ईयर से लेकर के वो माइंड पर पहुंच करके कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन वो पूरी प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ को लागू होता है. तो सबसे पहली चीज़ हम इस बात को समझेंगे कि हमारा ईयर किस तरह से वर्क करता है. तो पहली चीज़ है फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ईयर. मोस्टली हम सब जो हैं यही जानते हैं कि कान से हम सुनते हैं मगर असलियत यह है कि कान के 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं. सुनना तो है ही है, हियरिंग. द ह्यूमन ईयर हेल्प्स अस इन अवेयरनेस आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड स्टिमुलाई. एंड सेकेंड जो और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक और फंक्शन जो हमारा कान जो रोल प्ले करता है वो है बैलेंसिंग. The semicircular canals help us maintaining the balance of the body. तो जैसे कि मैंने बताया कि एक सुनने का जो मेन काम तो हम करते हैं, हमारे कान का मेन फंक्शन है सुनना. दूसरा ये है कि हमारी जो बॉडी का बैलेंस है
उसको मेंटेन करने में भी कान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. एक्चुअली हमारे कान की बनावट ऐसी है और उसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे कि हमारी बॉडी बैलेंस कर, जो हम आज खड़े हैं वो इस कारण खड़े हैं कि जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं कान के अंदर, उसके अंदर ऐसा लिक्विड होता है, उससे बैलेंस होती है हमारी बॉडी. अगर उस लिक्विड में कुछ प्रॉब्लम आता है या उसका रेशो या कुछ प्रोपोर्शन अलग हो जाता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं और हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं. काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास कुछ जैसे 40-50 ईयर्स के ऐसे भी आते हैं जो ये हम जिनकी मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम जब खड़े होते हैं तो हमें चक्कर आते हैं. तो अगर थोड़ा सी हम और इंटरोगेशन करके हम ये देखते हैं कि कहीं उनके जो चक्कर हैं वो उनके कान के इस मेन पार्ट से रिलेटेड तो नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसके कारण उनको चक्कर आ रहे हैं, तो टेस्टिंग करने के बाद फिर हम उनको बता पाते हैं कि क्या इसमें ट्रीटमेंट होगा, क्या मैनेजमेंट हो पाएगी. अक्सर मैम आपने बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हमारे दर्शकों को एक बताई है कि बैलेंसिंग के लिए भी कान का यूज़ होता है. नॉर्मली हम ये समझते हैं कि अगर चक्कर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं पर फिजिकली कमजोरी हो या कोई और, खास करके वो न्यूरो या इस तरह के चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, लेकिन कान की तरफ उनका कभी फोकस नहीं जाता कि कान का भी कोई रोल हो सकता है जिसकी वजह से उनको चक्कर आ सकते हैं. जो आप न्यूरोलॉजिकल बेसिस कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, वो भी एक रीजन होता है जिसके कारण चक्कर आते हैं, बट कान का भी इम्पोर्टेंट रोल है और उसको रूल आउट करना बहुत ही जरूरी है कि जो चक्कर आ रहे हैं वो एक्चुअली किस चीज से आ रहे हैं, ताकि उस तरीके का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए. तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि ये जो है कान का जो है कि क्या बनावट है हमारे कान की, और जिस दो मिनट में कि किस तरीके से साउंड कहाँ से कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इसमें हमारे कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं कान के. बाहर का जो कान है उसको पिना बोला जाता है, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, तीन स्मॉल बोन्स है बॉडी में, कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व. तो जो सबसे पहले हमारा बाहर का कान है उसके थ्रू जो आवाज़ है वो कान के अंदर जाती है और वो ईयर कैनाल के होते हुए ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है. उसकी वाइब्रेशन से जो तीन बोन्स होती हैं हमारे कान में वो वाइब्रेट होती हैं और जो स्टिमुलेशन है वो कॉक्लिया से होते हुए ऑडिटरी नर्व तक जाती है. तो अगर किसी भी इस पार्ट किसी भी एक पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उससे हम कह सकते हैं कि हियरिंग का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट उसका हियरिंग पे ज़रूर पड़ सकता है. अब ये डिपेंड करता है कि कान के किस कान में प्रॉब्लम है और किस काइंड का इफ़ेक्ट उसका पड़ेगा. तो इसलिए कान का हर पार्ट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हियरिंग. ऐसा नहीं कि बस कान में आवाज़ गई और हमने सुन लिया, एक के बाद एक एक्शन होता जाता है और कहीं पे भी अगर एक रोक आती है तो जो नेक्स्ट एक्शन उससे होना होता है वो उससे इफेक्ट हो जाता है. बिल्कुल, इसीलिए ये भी हम लोग सब अपने छोटों को बड़ों को हमेशा ये बोलते हैं कि कान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. हमें उसको केयरलेसली उसके अंदर कुछ डाल देना या तेल डालना या स्टिक डालना वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर उसमें से घायल होता है तो उसका इफेक्ट उसके नेक्स्ट पार्ट पे पड़ सकता है, जिससे इवेंचुअली हमारी हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. तो कान का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है. अगर सुनने की शक्ति में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट. मतलब इम्पेयर होना मतलब सुनने की जो हमारी शक्ति है उसमें कुछ कमी हो जाना. तो अगर हम आए कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस हैं, मैं एक या दो आपको बताना चाहूँगी. पहला, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हियरिंग लॉस एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट मे बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म डे टू डे कम्युनिकेशन विद और विदाउट एम्पलीफिकेशन. According to PWD, Person with Disability Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act, जो कि 1995 में दी गई थी, hearing disability means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. तो अगर हम पहली definition की तरफ जाएं तो उसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति अपने सुनने की जो शक्ति कम होने के कारण अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ ना कर पाए तो उसको हियरिंग इम्पेयर्ड हम बोल सकते हैं. अगर PWD एक्ट के हिसाब से हम जाएं तो उन्होंने क्या किया है कि जो हम एक सुनने की शक्ति को हम मेजर करते हैं ऑडियोग्राम के ऊपर प्लॉट करके, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के दोनों कानों में प्रॉब्लम है और जो उसका बेटर कान है मतलब जो दोनों में से जो थोड़ा अच्छा है
उसमें अगर 60 dB से अबव का लॉस होता है तो उस इंसान को हियरिंग इम्पेयर की कैटेगरी में डाला जा सकता है. और उनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ एंड प्रोविजंस दिए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़, उनकी श्रवण शक्ति कम होने के कारण ज़रूर अफेक्ट होंगी. तो अगर आप देखें कि आजकल गवर्नमेंट भी इतनी अवेयरनेस हो रही है उसमें कि जो इम्पेयर्ड लोग हैं या जिनको कुछ किसी प्रकार का हैंडीकैप है तो उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, ताकि ये वाली जो उनकी लिमिटेशन है वो उनकी आगे की ग्रोथ में हिंड्रेस ना प्रूव करें. किसी भी तरीके से वो इसको जितना भी ओवरकम कर सकते हैं थ्रू एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस या जो भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं, उसके बाद अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो अपनी आसानी से बिता सकें और एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में दुनिया के साथ जो है अपना रोल प्ले कर सकें. तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो थी 1995 में बनाई गई थी, एंड ताकि श्रवण बधिर जो भी लोग हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें. और ये अभी भी मतलब इम्प्लीमेंटेड है और लोगों को इसके हिसाब से उनके राइट्स मिल रहे हैं. तो ये है हियरिंग इम्पेयरमेंट. अगर अब हम आते हैं कि बहुत ब्रीफली मैं अमित जी बताना चाहूँगी कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हियरिंग लॉस के. एम्पलीफिकेशन पे जाने से पहले, causes of hearing loss are generally classified as under prenatal, perinatal, postnatal and acquired. ये चार main categorizations हम कर सकते हैं. पहला है prenatal, मतलब maternal factors. prenatal का मतलब है कि जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, माँ के ही पेट में है, तो क्या क्या problems हो सकती हैं जो माँ को affect करते करते बच्चे में जा सकती हैं. उसमें पहला है family history of deafness, जो कि हम जेनेटिक कॉज जो है बहुत कॉमन देखा गया है कि अगर एक पीढ़ी में हियरिंग लॉस के केसेस हैं तो हो सकता है कि वो जीन्स जो हैं वो आगे पास ऑन हो सकती हैं. दूसरा है टॉर्च इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि माँ को सिफिलिस, रुबेला, हपिस हो गया है. इसीलिए बोला जाता है कि मदर की वैक्सीनेशन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवेंचुअली ये वाली चीज़ें जो हैं जो बच्चे को आगे आगे जो हैं वो मतलब कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं और उससे भी परमानेंट इम्पेयरमेंट हो सकता है कोई. RH इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब मदर का और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है अगर उसमें कुछ इनकम्पैटिबिलिटी है उससे इश्यूज अराइज हो सकते हैं. पुअर हेल्थ ऑफ द मदर, अगर माँ की जो हेल्थ है वो सही नहीं रहती जब वो गर्भवती है तो उससे भी बच्चा वीक पैदा हो सकता है या बच्चे को कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं. कंसेंजुनस मैरिजेस, कंसेंजुनस मैरिजेस का मतलब है कि जो रिश्तेदारी में शादी की जाती है वो इसलिए सही नहीं मानी जाती है कि अगर एक साइड पे जैसे एक पीढ़ी में कुछ ऐसे जीन्स आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है तो मदर की साइड में भी अगर वही रहेंगे क्योंकि सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उभर के बाहर आए. तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत क्लोज रिश्तेदारी में शादी नहीं करनी चाहिए. इनटेक ऑफ सर्टन ड्रग्स, काफ़ी बार क्या होता है कि ना जानते हुए मदर्स जो हैं वो कुछ ऐसी ड्रग्स लेती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती हैं या जिनके प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से जो है बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती है. एक्सपोजर टू रेडिएशंस, ये तो अब काफ़ी कम हो गया है मगर फिर भी गांव वगैरह में या कुछ ऐसी जगहों पे क्या होता है कि हर महीने बोल देते हैं कि आप एक स्कैन करवा लीजिए या आप अल्ट्रासाउंड करवा के देखिए. इट्स नॉट नेसेसरी, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, प्रॉपर डॉक्टर सजेस्ट नहीं करे तो इतने स्कैन्स या अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है. और एंडोक्रिनाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. आजकल थायराइड की जो इशू है वो बहुत ही कॉमन हो रहा है मदर्स को है. थायराइड से क्या होगा कि जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं या जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो ऐसे डिफरेंट हो जाते हैं जो कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए जैसे चाहिए वैसे नहीं हो पाते हैं. एंड अगर हार्मोनल इम्बेलेंसेज ज़्यादा हों तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन या कोई और प्रॉब्लम होने के भी चांसेस हैं. तो अगर ये सब चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रखी जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर है शी इज़ द मेन कैरियर. अगर उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, ये सब प्रॉब्लम्स उनको नहीं होंगी तो होने वाला बच्चा जो है वो भी सेफ रहेगा. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. आपने बहुत खास करके इसमें दो एक ऐसे रीजंस बताए हैं जिसकी तरफ कोई बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता. जैसा कि आपने बताया कि एक ड्रग्स लेने वाली बात, यहाँ पर कोई इस बात के लिए नहीं सोचता है कि हमको, उनको ज़रा सा फीवर होता है तो पास के केमिस्ट के पास में जाते हैं, कोई भी
मेडिसिन लेकर के खा लिया, या इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ों में उनको डॉक्टर की एक सलाह लेने की ज़रूरत नहीं समझ में आती। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह की कुछ ड्रग्स खास करके जब मदर एक्सपेक्टिंग सिचुएशन में है उस समय उसके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, और इसलिए कोई भी दवा लेने के पहले उनको डॉक्टर की सजेशन जरूर लेनी चाहिए। एंड ओवरडोज किसी भी दवाई का, चाहे वो माइल्ड ही है, इट इज़ नॉट गुड। तो जब तक ज़रूरत ना हो, आपके डॉक्टर रिकमेंड ना करें, तो कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद अगर हम आते हैं पेरीनेटल फैक्टर्स, इसका मतलब जन्म के टाइम पे जो प्रोसीजर होता है या जो सर्कमस्टांसेस आते हैं उनके ऊपर ध्यान देना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आते हैं प्री मच्योर बर्थ, ट्रॉमेटिक डिलीवरी या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, डिलेड बर्थ क्राई, लो बर्थ वेट लेस देन 1200 grams, न्योनेटल एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया एंड कॉर्ड प्रोलैप्स। तो पहला जो है वो है प्री मेच्योर बर्थ। किसी भी कारण से यदि बच्चे को टाइम से पहले पेट से निकालना पड़े यदि, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाती जो एक 9 महीने कंटिन्यूस स्ट्रेच में चाहिए होता है। तो जब उस सिचुएशन में बच्चे को हम बाहर निकालते हैं तो बच्चा बहुत वल्नरेबल होता है, उसकी डेवलपमेंट अभी पूरी नहीं हुई है, तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऑब्वियसली वीक भी होगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा ये है ट्रॉमेटिक डिलीवरी, कभी कभी बच्चा जो है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो जो डिलीवरी घर पे कराते हैं तो जो दाई होती है वो बच्चे के सर को खींचने की कोशिश करती है, तो उससे क्या होता है कि सर के ऊपर भार पड़ सकता है, मतलब उसके सर पड़ सकता है जिसके, बिल्कुल अगर ज़्यादा दब जाए तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट हो सकती है, या कभी कभी फोर्सेप्स से निकालने के टाइम फोर्सेप्स के कारण ही कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम आ सकती है जिसके कारण बच्चे की को परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन हो सकता है। और बर्थ क्राई यदि बच्चे का नहीं है, डिले हो जाता है, तो इसका यह मतलब है कि उसने बाहर आते साथ ही सांस प्रॉपर नहीं लिया है। अब जब बच्चा बाहर आ गया है तो वो एक इंडिविजुअल है, उसको अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका वो अपना है, तो यदि 5 मिनट्स का भी डिले हो जाए या 2-3 मिनट्स का भी डिले हो जाए, उसी डिले में ही परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन कई बार हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे का वेट कम है, जैसे 1200 ग्राम से कम है, तो बच्चा वीक रहेगा और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको। एंड यदि कई बार क्या होता है कि जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, वो बच्चे के गले के आसपास जोर से मतलब फंस जाती है, उससे क्या होता है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ हो सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने नियरेस्ट बर्थ मतलब हेल्थ केयर सेंटर में जाके, जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अब डिलीवरी जो है हॉस्पिटल्स में ही कराते हैं ताकि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आए तो डॉक्टर हमेशा वहाँ पे हैं, बट रूरल एरियाज में भी उनको ट्रेन नर्सिस के पास जाके ही डिलीवरी करवानी चाहिए, अभी घर में करवाने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आएगी तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत क्रूशियल होता है, जहां पर कि आप किसी डॉक्टर की हेल्प के लिए बाहर जा नहीं सकते। जब तक आप उतना टाइम लूज करेंगे उतने में बच्चे को परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन हो सकता है, परमानेंट ये होल लाइफ के लिए, बिल्कुल हो सकता है कि बच्चा जो है वो सेरेब्रल पैल्सी हो जाए या मेंटली रिटायर्ड हो जाए या हियरिंग लॉस हो जाए। इससे अच्छा है कि आप ऐसी जगह पे करवाइए जहाँ पे आपको हर हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं पोस्टनेटल कॉजेस, इसमें आते हैं डिफॉर्मिटीज ऑफ द ईयर नोज फेस एंड थ्रोट, जॉन्डिस, हाई फीवर, कन्वल्शंस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, रेकरेंट अटैक ऑफ ओटाइटिस मीडिया, एयर डिस्चार्ज, इन्फेक्शियस डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल वुपिंग कफ, मम्स, मीजल्स, सिफिलिस, कॉलरा, वायरल फीवर, मेनिनजाइटिस, एंसिफिलाइटिस, एक्सपोजर टू ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड ट्रॉमा। अगर हम फर्स्ट रीजन से जाएं तो वो है डिफॉर्मिटी ऑफ द ईयर नोज फेस एंड थ्रोट। ये तो बच्चे के जन्म से ही हम देख सकते हैं कि कई बच्चे होते हैं कि उनका होंठ कटा होता है या नाक भी एक साइड से कटा होता है या कान है उसके कान का छेद नहीं है या बाहर वाला जो पिन्ना है वो नहीं है। तो इस काइंड की डिफॉर्मिटीज अगर बच्चों में देखी जाए तो हमें उनका इवैल्यूएशन करा के जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि इनको चांसेस हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है, बट रेगुलरली मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हाई फीवर हो जाता है, मेनिनजाइटिस हो जाता है, एंसेफेलाइटिस हो जाता है, या अगर बार बार बच्चे के कान से पानी आ रहा है, जैसे ईयर डिस्चार्ज जिस चीज़ को बोलते हैं,
तो वो भी एक इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और यहाँ पर फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को आती है कि थोड़ा सा पानी निकला या इस तरह की चीज़ें, और खास करके अगर बार बार भी हो रहा है उसके बावजूद पेरेंट्स वो ईयरबड वो लेकर के वो साफ कर देते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेन और चीज़ भी है कि जो फीडिंग पैटर्न है बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मदर को बच्चे की गर्दन थोड़ी ऊपर करके पिलाना चाहिए दूध, नहीं तो दूध जो है वो ईयर के उसमें चला जाता है, उससे भी प्रॉब्लम्स रहती है। क्योंकि हमारी फूड पाइप और नेसल कैविटी का वो पाइप बिल्कुल वो अटैच्ड है एंड मुंह में जाने के बजाय वो उधर जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेनिनजाइटिस जैसे कि मैंने पहले बताया, मम्स हो जाए, मीजल्स हो जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिनसे हियरिंग लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर एक आपने बहुत सारे रीजंस के बारे में बात किया जिनकी वजह से हेयरिंग में प्रॉब्लम आती है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें समझने की और थोड़े से अवेयर होने की ज़रूरत होती है। खास करके दोस्तों अगर हमने अपने इस सेक्शन को ध्यान में रखें तो हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड के टाइम पर बहुत सारी ऐसी हम सभी से मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनका कि दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ता है, जहाँ पर कि वो अपनी हेयरिंग कैपेसिटी को खो सकता है। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी कि हियरिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी अपनी पूरी लाइफ पर, हमारी अपनी पूरी पर्सनालिटी पर, इसलिए इन छोटे छोटे रीजंस को भी बहुत ही सीरियसली वॉच किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, जिससे हम अपने आने वाले बच्चे की तरफ उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाल बनाने में कुछ मदद कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। There was a time when persons with mental handicap used to be considered burden on the society. In fact, at some places they used to be killed and badly treated. Gone are the days now. Lot of changes have taken place in thinking and attitude of people towards persons with mental retardation. We have moved away from this attitude of burden to the society. We no longer believe they are burden on the society, but they are productive members of our society. In fact, there is a complete paradigm shift from charity and welfare to the right-based and inclusive society. We are all working towards creating an inclusive society. In fact, now, with the implementation of UNCRPD, the whole nation is geared towards implementing the objectives of UNCRPD, which is creating an inclusive society and not segregating them.
So let us all be prepared to help them participate in an inclusive society, to help them enjoy an inclusive society, to help them create an inclusive society. And let's all join hands with them. कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम अपने हियरिंग इम्पेयर्ड दोस्तों के लिए हियरिंग एड्स और उनकी कैपेसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ साथ में हमारा फोकस इस बात पर बना हुआ है कि ऑडिटरी ट्रेनिंग या स्पीच ट्रेनिंग वो किस तरह से की जानी चाहिए जिससे कि हमारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हमने डिफरेंट रीजंस के बारे में बात किया कि किन रीजन से लोगों को हियरिंग लॉस हो सकता है, इनके तमाम पहलुओं पर और चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ बनी हुई हैं मिस विभा महाजन जी, जो कि आपको इसके तमाम पहलुओं से रूबरू करा रही हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमसे संपर्क करें, हमारी एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगी। नोट करिए हमारे नंबर्स, हमारा नंबर 1800 11 2008, हमारा फ़ोन नंबर 011 2651 1611, और हमारा फैक्स नंबर 011 2651 1609, हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in, और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। मैम, अभी हमने बहुत सारे रीजंस के बारे में बात किया, आपने बहुत बारीकी से बताया कि प्रीनेटल पेरीनेटल से लेकर के पोस्टनेटल पीरियड में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पर हमको ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये चीज़ ये समझना चाहूँगा कि जो हियरिंग की डेफनेस होती है, इनको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो कितने टाइप्स के इस तरह की डेफनेस देखने को मिलती है? अगर हम टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस की बात करते हैं तो ये तीन टाइप्स में मतलब उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डिफरेंट क्राइटेरिया। पहला है ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस, दूसरा है साइट ऑफ लीशन, एंड तीसरा है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। ऑनसेट का मतलब है कि हियरिंग लॉस कब हुआ, प्री लिंगुअल हुआ कि पोस्ट लिंगुअल हुआ। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ ऑनसेट हियरिंग लॉस दैट इज डेफनेस इन अर्ली चाइल्डहुड सिंस बर्थ, उसको बोलेंगे प्री लिंगुअल डेफनेस। इसका मतलब है कि जो हियरिंग लॉस हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप होने से पहले हो जाता है उसको बोलते हैं प्री लिंगुअल, जो जन्म से ही होता है या 6 महीने पे ही हो जाता है। इसका मतलब है कि अभी हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुई थी और वो लॉस पहले ही हो गया, तो उसको बोलते हैं प्री लिंगुअल डेफनेस। एंड इससे सीवियर स्पीच एंड लैंग्वेज डेफिसिट्स आ सकते हैं क्योंकि बच्चे को अभी एहसास ही नहीं हुआ कि क्या बिल्कुल होता क्या है या बोलने का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड सेकेंड जो है डेफनेस एक्वायर्ड आफ्टर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज पोस्ट लिंगुअल डेफनेस। मतलब जैसे कि एक पीरियड में जिसमें बच्चे ने बोलना और सुनना सीख लिया था, उसके बाद अचानक ही कोई प्रॉब्लम उसको होती है और उसकी सुनने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, वो है पोस्ट लिंगुअल डेफनेस। तो वो उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि प्री लिंगुअल, क्योंकि एटलीस्ट कुछ साल तो उसने नॉर्मल हियरिंग जो है उसको एक्सपीरियंस किया है और हो सकता है उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पूरी हो गई हो। तो जैसे कोई बच्चा है 12 साल का जिसको अचानक ही मेनिनजाइटिस से हियरिंग लॉस हो जाता है,
तो 12 साल तक तो बच्चा पूरी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई है उसकी, वो प्रॉपर बोलता है, समझता है। उसके बाद अगर उसको लॉस होता है तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा एज कम्पेयर टू उस बच्चे को जिसने 6 महीने में अपनी सुनने की जो शक्ति है उसको खोया है। नो डाउट जो 12 साल का बच्चा है आगे आगे उसको भी प्रॉब्लम्स होंगी, मगर एटलीस्ट उसको उसकी स्पीच तो है, हमें उस स्पीच को कंजर्व करना होगा, मतलब बचा के रखना होगा एज कम्पेयर टू एक बच्चा जिसने अभी तक स्पीच सीखी नहीं है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जैसे कि एज ऑफ ऑनसेट पे डिपेंड करता है कि लॉस किस काइंड का है। और ऐसे लोगों कहीं ना कहीं जब ऑडिटरी ट्रेनिंग आप करते हो या स्पीच ट्रेनिंग जब आप देते हो वो भी देना काफी आसान हो जाता है अगर बच्चे ने पहले से सीख रखा है। बिल्कुल, तो उसको तो हमें मेंटेन करना है, एक डायरेक्शन देनी है जी, ताकि जो सीखा है वो लूज ना कर जाए, बट जिसको नए सिरे से सिखाना है वो थोड़ा टफ हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ लीजन कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब प्रॉब्लम कान के किस भाग में है, आउटर ईयर में है, मिडल ईयर में है, इनर ईयर में है, या नर्व अफेक्टेड है, वो है साइट ऑफ लीजन, मतलब कौन सा एरिया अफेक्टेड है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो है, वो इस काइंड का लॉस है जिसको हम मतलब जैसे आउटर ईयर या मिडल ईयर में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे वैक्स ज़्यादा हो जाती है या कान में पानी हो जाता है, तो वो इन दोनों काइंड का लॉस जो है वो उससे होता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वो है जिसमें जो हमारी नर्व है सुनने की वो इफेक्ट हो जाती है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस है कि दोनों आउटर ईयर मिडल ईयर और उसके साथ में जो नर्व है, मतलब कान का हर भाग इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और जो फोर्थ पार्ट है वो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड का हियरिंग लॉस होता है जिसमें बच्चा सुन तो पा रहा है मगर समझ नहीं पा रहा कि क्या बोला जा रहा है। मतलब अगर कोई आवाज़ आती है तो बच्चा उसकी तरफ रिएक्ट करता है मगर उस आवाज़ का क्या मतलब है वो नहीं समझ पा रहे। तो ऐसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनको सुनाई तो दे रहा है बट मैम जो कंटेक्स्ट बोलती है या जो चैप्टर में बताती है वो नहीं समझ पाते, तो वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा डायग्नोस हो रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो डायग्नोसिस हो रहा है। एंड इसमें टीचर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हेल्प कर रही हैं क्योंकि वही हैं जो ऐसे बच्चों को हमारी तरफ लाती हैं कि हम स्कूल में हमें लगता है ये सुनता है मगर ये समझता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके बाद अगर अब हम आएँ कि हियरिंग लॉस के अफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में, हियरिंग लॉस अफेक्ट्स डेली लाइफ। इसमें ये चीज़ें हैं कि डिफ़िकल्टी इन कनेक्शन विद द वर्ल्ड, मतलब मेन चीज़ तो ये है कि हमारा जो एक कनेक्शन है वर्ल्ड के साथ, अगर हमें हियरिंग प्रॉब्लम है वो टूट जाता है क्योंकि ना हम सुन पाते हैं दूसरा हमें क्या कह रहे हैं, ना समझ, ना हम अपनी बात उनको बता पाते हैं। हम अपनी फीलिंग एंड थॉट्स जो हैं, जो कि बींग ह्यूमन बींग हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते हैं। एंड इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ओरल रिक्रिएशन है, मतलब एंटरटेनमेंट है, हम जो बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इफेक्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, विड्रॉल एंड सोशल आइसोलेशन हो जाती है। मतलब जिनको सुनने की प्रॉब्लम होती है आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को अपने पीयर ग्रुप से विड्रॉ करना स्टार्ट कर लेते हैं और सोशली आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि इनको साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करने लगता है। उसके बाद इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं ऐसे लोगों को, डिले ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज का तो हो ही जाता है, उनकी डेवलपमेंट में डिले आ जाता है। डेफिसिट्स इन कम्युनिकेशन, ओवरऑल कम्युनिकेशन में डेफिसिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी ऐसे बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि वो स्कूल में कोप अप नहीं कर पाते अपनी हियरिंग प्रॉब्लम के कारण। अगर हम स्पीच प्रॉब्लम्स में आएँ तो स्पीच इज सेट टू बी एबनॉर्मल व्हेन इट डिविएट्स सो फार फ्रॉम द स्पीच ऑफ अदर पीपल दैट इट कॉल्स अटेंशन टू इट सेल्फ, इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन और कॉजेज डिस्ट्रेस टू द लिसनर और स्पीकर। इसमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वॉइस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हम स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं वो हियरिंग प्रॉब्लम के कारण गलत बोलते हैं ऐसे बच्चे। अगर उनको प बोलना होगा तो बोलेंगे ब बोल देंगे, अगर बोलना है पापा तो बाबा बोलेंगे, या जो हम बोल रहे हैं उसको गलत सुनेंगे। उसके बाद आता है वॉइस डिसऑर्डर्स,
या यहाँ पर हम एक फ्लुएंसी के साथ में जो रिदम होता है किसी वर्ड को जब हम बात करते समय कहीं पर हमें कुछ ज्यादा जोर देना होता है, कहीं पर सॉफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती बिल्कुल है। और जो जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट रहती है वो उनकी जो वॉइस है वो मोनोटोनस हो सकती है, जैसे कि आपने बोला कि जहाँ पे उतार चढ़ाव चाहिए, जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारा थोड़ा आवाज ऊंची हो जाती है या उस तरीके की, तो वो सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन लोगों में अफेक्टेड हो जाते हैं। और वॉइस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनकी आवाज़ क्योंकि ये जोर दे के बात करते हैं तो ऐसे लग सकता है कि आवाज़ में खिंचाव पड़ रहा है, या कई बच्चों की आवाज़ बहुत हाई पिच हो सकती है, मतलब तीखी लगेगी जब आप सुनेंगे। नहीं, हमारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जब आदमी हमारे सामने है इतनी डिस्टेंस पर है तो हमें कितनी तेज साउंड के साथ में उनसे बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको खुद फीडबैक नहीं मिलता कि वो क्या, मतलब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं वो सुन पा रही हूँ, तो मैं एक हिसाब से मॉनिटर कर रही हूँ अपनी आवाज़ को, अगर वो फीडबैक मेरा अफेक्टेड होगा तो कभी मैंने ऊंचा बोल लिया मुझे रियलाइज़ नहीं होगा, हो सकता है मैं उस ऊंची आवाज़ में कन्वर्जेशन करती रहूँ। और तीसरा ये है कि इनको फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे अटक अटक के बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मल बच्चों में भी देखे जाते हैं, मगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। उसके बाद आती हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। It can be due to hearing impairment, mental retardation, cerebral palsy, behavioral problems and aphasia. मतलब स्पीच की प्रॉब्लम्स तो है ही है, साथ में लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स भी ऐसे व्यक्ति, बच्चे हों या बड़े हों, वो फेस करते हैं। अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड हमारे पास आता है वो थोड़ा वर्बल भी है तो मोस्टली हमने ये देखा है कि वो वर्ड लेवल पे होते हैं, मतलब कुछ अगर उनको आपको बताना है तो वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स का यूज़ करेंगे, उसमें पूरा सेंटेंस सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो ओमिशन है पूरे जो कनेक्टिंग वर्ड्स का, ये हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के स्पीच में काफ़ी देखा गया है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, इनकी वोकैबुलरी भी कम होती है, सिंटैक्स भी अफेक्टेड होता है जैसे कि मैंने बताया, तो वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर करती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हियरिंग इम्पेयर्ड लोग जो है ये फेस करते हैं। अगर उसके बाद जो अब एक और क्लासिफिकेशन जो हम देखते हैं वो है कि कितना लॉस है। अब जैसे कि आपने चश्मा लगाया हुआ अमित जी, तो आपका नंबर और किसी और का नंबर जो है वो अलग अलग रहेगा। उसी तरीके से जो श्रवण शक्ति है, बधिरता है, वो भी हर इंडिविजुअल की अलग अलग रह सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक स्केल बना हुआ है, हम मेजर करते हैं कि कितना सुनाई देता है। अगर किसी का 0 to 15 dB के अंदर आता है उसको नॉर्मल हियरिंग है, 16 to 25 dB के अंदर आता है तो उसको मिनिमल हियरिंग लॉस है, 26 to 40 dB में आता है तो माइल्ड हियरिंग लॉस है, 41 to 55 मतलब मॉडरेट हियरिंग लॉस, 56 to 70 मतलब मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस, 71 to 90 सीवियर हियरिंग लॉस, एंड अगर 90 से ज़्यादा है तो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी का स्कोर जो है, मतलब इजी टर्म्स में अगर यूज़ करूँ, सुनने की जो अगर जो लेवल आ रहा है वो 90 dB से अबव है, तो मतलब उसको कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, काफ़ी कम सुनाई दे रहा है। वही अगर कोई अपर लेवल का है, किसी का जब हम पेयर टोन एवरेज निकालते हैं वो 16 या 17 dB आता है, मतलब उसका है कि इसको सुनाई तो दे रहा है मगर कुछ कुछ चीज़ें इसकी अफेक्टेड होंगी, एज़ कम्पेयर टू उस इंसान को जिसको बिल्कुल भी सिर्फ लाउड आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो इस तरीके की कैटेगराइजेशन है, हम जब बताते हैं कि कितना लॉस है तो ये वाला स्केल यूज़ करते हैं, हम इसके हिसाब से बताते हैं कितना लॉस है, और इम्प्लीकेशन हियरिंग लॉस की इसके हिसाब से ही होती है। क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर है तो आपको ज़्यादा मतलब मोटा चश्मा डालना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हियरिंग प्रॉब्लम है तो उस प्रकार की मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। हियरिंग एड्स की कैपेसिटी पर कहीं ना कहीं बिल्कुल, ये एक्चुअली अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें तो कैपेसिटी हियरिंग एड की उस हिसाब से रहेगी कि आपका लॉस कितना है। ये एक ऑडियोग्राम है जिसमें हम प्लॉट करते हैं, ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं दिखा रही हूँ, कभी हम किसी क्लिनिक पे जाएं तो हमें इस प्रकार की शीट मिलेगी। तो जो यहाँ पे रीडिंग दी हुई है लेफ्ट साइड पे, जो मैं 0 to 10, 15 की बात कर रही थी, और राइट साइड पे बताया गया कि किस किस प्रकार का मतलब हियरिंग स्टेटस क्या है उनका। और ये एक ऐसा चार्ट या ग्राफ कह लीजिए ऐसा है जिसमें बताया गया है कि अलग अलग साउंड्स किस किस लेवल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, जो कि सबसे नीचे वाले लेवल पे दिखाई दे रहा है, तो जो चीज़ें प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में है वो मतलब वो बहुत ही ऊंची आवाज़ें सुनेगा, जैसे कि प्लेन की आवाज़ या ड्रम की आवाज़ सुनेगा, मगर उससे कम आवाज़ नहीं सुन पाएगा।
अगर कोई ऊपर के लेवल में आता है तो वो नीचे की सब चीजें सुन सकता है। इसके बाद हम जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग लॉस के ऊपर। मैनेजमेंट जो है हियरिंग लॉस की, वो दो तीन चीजों के द्वारा, मतलब दो तीन उसमें रूट्स हैं। या तो हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और अगर मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल ना हो तो फिर हमें एम्पलीफिकेशन डिवाइस का ही इस्तेमाल करना होगा। अब इसमें मेन जो पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम उनको बोलते हैं कि आपको हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, तो हर एक पेरेंट का, मतलब एटलीस्ट 80% ऑफ द पेरेंट्स का ये रिएक्शन होता है कि मैडम इसकी सर्जरी नहीं हो सकती, ये मशीन नहीं हम लगाना चाहते, कोई ऐसा ऑपरेशन आप कर दीजिए जिससे कि ये बच्चा ठीक हो जाए। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस काइंड का लॉस है। अगर जो लॉस है वो कंडक्टिव या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, अगर आपको याद हो पहले स्लाइड्स मैंने कंडक्टिव और मिक्स्ड हियरिंग लॉस की बात करी थी, तो उसमें जैसे अगर वैक्स है कान में तो उसको रिमूवल किया जा सकता है, वैक्स का रिमूवल किया जा सकता है किसी भी ट्रेंड पर्सन से। जैसे आप ENT क्लिनिक में जाएंगे तो या तो ENT कर देते हैं, या उन्होंने अपने और ट्रेंड बंदे रखे हो सकते हैं। नहीं, अगर इन्फेक्शन है कान में तो ENT डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर ईयर ड्रम में, जो कि हमारे कान का पर्दा है, उसमें छेद है, तो उसमें भी सर्जरी की जा सकती है। तो अगर कंडक्टिव या मिक्स्ड लॉस है, मतलब आउटर या मिडल ईयर की प्रॉब्लम है, तो सर्जरी एक ऑप्शन हो सकती है। या जो अगर जैसे कि हम बात करें वैक्स है, उसका रिमूवल हो सकता है। मगर अगर हमारी नर्व ही अफेक्टेड है तो नर्व की जो सर्जरी है वो पॉसिबल नहीं है। उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं, या तो हम हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करें, या कॉकलियर इम्प्लांट, जो कि अब मोस्ट रीसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है जो नर्व को भी बाईपास कर देती है और कॉकलिया में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट करे जा सकते हैं। मगर इन दोनों में एक मेन डिफरेंस ये है कि कैंडिडेसी है कि हर बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। मगर उसके अलावा एक मनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो काफ़ी एक कॉस्टली प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स भी ऐसा नहीं कि सस्ते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी वाले भी महंगे हैं, बट अगर वो नहीं कोई ले सकता तो एक मिनिमम रेंज के तो ले ही सकते हैं। बट इम्प्लांट में ओवरऑल थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्लस डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन डॉक्टर को लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चे के लिए। और कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स और बच्चे के सिचुएशंस को भी ध्यान में रखने पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, जैसे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो लेबरर्स हैं। जी जी। अगर हम उनको इम्प्लांट करवा भी देते हैं, उसके बाद इम्प्लांट के बाद जो मैनेजमेंट है वो बहुत, मतलब हार्ड वर्क चाहिए। और अगर हम ये सोचें कि दोनों पेरेंट्स अपना काम छोड़ के बच्चे के साथ लगा रहे हैं तो घर का खर्चा नहीं चल सकता, तो वो वाले फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करते हुए, ओवरऑल टोटालिटी में देखते हुए, देखने की क्या ऑप्शन जो है वो बच्चे के लिए सूट करेगा। बिल्कुल सूट करेगा। तो हियरिंग एड्स क्या है, अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हियरिंग एड एक्चुअली है क्या है। हियरिंग एड्स आर प्राइमरली यूजफुल इन इम्प्रूविंग द हियरिंग एंड स्पीच कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पीपल हु हैव हियरिंग लॉस that results from damage to the small sensory cells in the inner ear called the hair cells. This type of hearing loss is called sensory neural hearing loss. The damage can occur as a result of disease, aging or injury from noise or certain medicines. इसका मतलब है कि hearing aid एक useful होती है hearing and speech की comprehension में, एंड इस ये यूजुअली उन्हीं केसेस में यूज़ किए जाते हैं जिनमें नर्व अफेक्टेड हो और कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे फिर जहाँ पे नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं कि अब आपको हियरिंग एड का इस्तेमाल करना है। हियरिंग एड मैग्नीफाइज द साउंड वाइब्रेशंस एंटरिंग द ईयर, द सर्वाइविंग हेयर सेल्स डिटेक्ट्स द लार्जर वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट्स देम इंटू न्यूरल सिग्नल्स दैट आर पास्ड अलोंग द ब्रेन। The greater the damage to a person's hair cells, the more severe the hearing loss and the greater the hearing aid amplification needed to make up the difference. मतलब hearing aid actually एक amplification device, amplify का मतलब होता है बड़ा होके देना, जिसके अंदर जो है जो भी आवाज़ जाती है वो amplify होके हमारे कान में पहुँच जाती है। तो इट्स बेसिक, इसका बहुत ही सिंपल एक मैकेनिज्म है कि आवाज़ आती है, एम्पलीफायर होता है उसके अंदर, वो एम्पलीफाई रिसीवर से अंदर जाती है, एम्पलीफाई होती है और उसके बाद हमारे कान में चली जाती है। तो जितना ये बता रहे, मतलब ये है कि हमारे ईयर का जितना डैमेज ज़्यादा है, जितने हेयर सेल्स अफेक्टेड है, उतना ही ज़्यादा पावर का हियरिंग एड जो है वो लगाना पड़ेगा।
अगर हेयर सेल्स कम इफेक्टेड हैं तो कम पावर का हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा इफेक्टेड हैं तो ज़्यादा पावर का हियरिंग एड लगाना पड़ेगा. However, there are practical limitations to the amount of amplification a hearing aid can provide. In addition, if the inner ear is too damaged, even large vibrations will not be converted into neural signals. In this situation, a hearing aid wouldn't be ineffective. तो जो हियरिंग एड है उसके भी अपने लिमिटेशंस हैं. यदि बहुत ज़्यादा हियरिंग सेल्स अफेक्टेड हैं तो जो वाइब्रेशंस हैं वो भी हियरिंग एड के थ्रू हमारे कान में नहीं जाएंगी और उस समय हियरिंग एड जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो पाएगा. तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट होता है वो हम आते हैं टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स बेस्ड ऑन प्लेसमेंट ऑफ द हियरिंग एड्स. बॉडी लेवल हियरिंग एड्स हो सकते हैं, कंप्लीटली इन द कनाल हियरिंग एड्स हो सकते हैं, इन द कनाल हियरिंग एड्स हो सकते हैं, इन द ईयर हियरिंग एड्स हो सकते हैं, बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड्स हो सकते हैं एंड आई क्लास हियरिंग एड्स हो सकते हैं. अगर आप रिकलेक्ट करें कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने हियरिंग एड लगाया है तो मोस्ट कॉमनली जो दो हम मतलब आसपास हम देखते हैं, एक तो पॉकेट वाला होता है जिसमें तार लगी हुई होती है और दूसरा हियरिंग एड वो आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है कान के पीछे हुक की तरह इस तरीके से एक लगा होता है, उसको बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड कहते हैं. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इस लड़की ने जो है एक पॉकेट लेवल हियरिंग एड यूज़ कर रही है. ये सबसे इकोनॉमिकल हियरिंग एड्स हैं जो कि हर इंडिविजुअल जो है उसको वो खरीद सकता है और यूज़ कर सकता है. और उसके बाद हम आते हैं वो डिफरेंट टाइप जिनका मैंने आपको पहले नाम बताया, कम्प्लीटली इन द कैनाल. ये देखिए कैनाल के अंदर हियरिंग एड दिखाया गया है. राइट साइड पर जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसमें जो रेड सी पिक्चर बनी है वो हियरिंग एड इंसर्टेड है. सेकेंड में है जो इन द कैनाल है, उसके बाद इन द ईयर है एंड जो लास्ट है बिहाइंड द ईयर है वो हुक की तरह कान के पीछे जो है लटका हुआ है. अगर हियरिंग एड जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि अगर लॉस इतना ज़्यादा है कि हियरिंग एड से भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है किसी बच्चे को, उसके बाद हम कॉकलियर इम्प्लांट का ऑप्शन जो है वो सोचते हैं. मैम इससे पहले हम थोड़ा सा कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें. आपने जो पीछे यहाँ पर बहुत सारे फिगर्स दिखा करके हमें बताए कि इन कैनॉल और यहाँ पर इन ईयर करके हम कई सारे ऑडिटरी यहाँ पर एड्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसको इसमें अगर कोई जज करना चाहे कि क्या बेस्ट होगा, क्योंकि अक्सर करके हमारे पेरेंट्स या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लाइक नहीं करते कि वो थोड़ा सा विजिबल हो, एक कॉस्मेटिक व्यू से वो थोड़ा सा उसको ठीक नहीं समझते हैं. तो आप एक एक्सपर्ट होने के नाते, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन हमारे फ्रेंड्स में ज़्यादा होने के चांसेस है, आप क्या सजेस्ट करती हैं क्या होना चाहिए? देखिए ये इसके लिए कोई एक ऐसे फिक्स्ड प्रोटोकॉल नहीं है. डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्री ऑफ लॉस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा हियरिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर इंसान वो कान के अंदर वाला उसके लिए अच्छा रहेगा. अगर बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो जो बहुत छोटे और कान के अंदर वाले हैं वो उतने लॉस को कवर नहीं करते हैं तो उतना नहीं सुनाई देगा और उतना ही वो एक्सपेंसिव आएगा, उतना उसका फ़ायदा नहीं होगा जो कि एक दूसरे हियरिंग एड का हो सकता है. तो वो जब आप हियरिंग एड लेने जाते हैं तभी हमेशा हम बोलते हैं कि मार्केट में कोई भी बेच रहा है वो सही नहीं है, आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए जिनको पूरी नॉलेज हो कि कौन सा हियरिंग एड बेस्ट रहेगा. एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरा ये है कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो अगर आप उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड और छोटा हियरिंग एड उनके कान में लगा देंगे वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे और वो बार बार टूटता रहेगा, आपको उतने डैमेजेस की कॉस्ट पड़ेगी और इवेंचुअली क्या होगा कि इट्स ए साइकिल कि वो टूटा फिर आपने ठीक करवाया, कितनी बार ऐसा हो सकता है. तो आपको एक एज का भी क्राइटेरिया रखना है, टाइप ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस का भी क्राइटेरिया रखना है और तीसरा ओल्ड एज में ये क्राइटेरिया भी बहुत ज़रूरी है कि जो हियरिंग एड जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके बटन्स ऐसे होने चाहिए कि ओल्ड एज में क्या होता है हमारी डेक्सटेरिटी अफेक्ट हो जाती है. जितने छोटे बटन होंगे ना उतने हमसे मैन्युपुलेट नहीं होंगे. तो अगर हम एक 80 इयर्स के इंसान को इतना छोटा हियरिंग एड दे दें जिसके बटन्स भी वो ना हिला पाए तो आप ये सोचे कि हम उनकी हेल्प करने के बजाय उनकी इरिटेशन और बढ़ा रहे हैं. अगर वो ऑन ऑफ भी नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से तो फिर उस हियरिंग एड का क्या यूज है? कुल मिलाकर के प्राइम कंसर्न हमें अपने फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं ये इस बात पर रखना चाहिए कि हमें सुनने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. बिल्कुल, उसके कॉस्मेटिक अपीलिंग जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको ये देखना है कि आपको सुनने की कितनी प्रॉब्लम है और कौन सा हियरिंग एड आपको बेस्ट हेल्प कर रहा है और खास करके हमारे एक्सपर्ट की सजेशन
को फॉलो करने की कोशिश वो अभी आगे आएगा इवैल्यूएशन ऑफ हियरिंग एड्स जो कि एक मेन टॉपिक है हमारी प्रेजेंटेशन का जी, जी. हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये हियरिंग एड जो है वो इस इंसान के लिए सही है और दूसरे के लिए सही नहीं है तो वो हम अभी आगे अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे जी. अब हम कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं. तो कॉक्लियर इम्प्लांट जो है इट प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ डेफ इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू यूटिलाइज अदर डिवाइसेस सच एज हियरिंग एड्स. मतलब जो व्यक्तियों को हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं होता जिनका जो डेड रीजन है वो बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ज़्यादा लॉस है उनको उनको कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो बहुत ही सही रहता है. यहाँ पर कॉकलियर इम्प्लांटेशन चूँकि खास करके एक महंगी डिवाइस के बारे में भी आप बात कर रही थी इसका खास करके यूज़ उसी केसेस में किया जाना चाहिए जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सीवियर बिल्कुल और वो इंडिविजुअल जो कन्वेंशनल हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल. तो दोस्तों यहाँ पर इस नई टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पर कि अक्सर ये कहा जाता है कि कॉकलियर इम्प्लांटेशन एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला बहुत ही नई टेक्निक आई है लेकिन जैसा कि हमारी एक्सपर्ट बता रही हैं कि इसकी तरफ भी हमको तभी आगे जाना चाहिए जबकि आपका एक्सपर्ट इस बात के लिए आपको एडवाइस दे रहा हो. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप. UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है. ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं. सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है. कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है. असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है. उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं. वेरी गुड. ग्लास वेरी गुड. ग्लास जो खाली बैग है. ग्लास वेरी. कप को टच करो जल्दी से. कप को. वेरी गुड. वेरी गुड. कप में क्या करता है गणेश? टी पीता है. चलो ग्लास. वेयर इज द ग्लास? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को. Very good. बाउल में क्या करता है कनी? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है. ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है
तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं हियरिंग एड्स के बारे में और हमारे साथ मिस विभा महाजन जी बनी हुई हैं और हमें इसके तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमसे अपने सवाल कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगी। नोट करिए हमारे नंबर्स, हमारा टोल फ्री नंबर 1800 11 2008, हमारा फोन नंबर 011-265-11611 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609, हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.psnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। मैम, अभी हमने बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट हियरिंग एड्स के बारे में बात कर लिया है। आपने बताया कि कैसे हमें सूट करता है, इसके बारे में हमें एक्सपर्ट के ओपिनियन को फॉलो करना चाहिए। बात यहाँ पर यह है कि एक बार जब हमने एड्स लगा दिया, उसके बाद में बच्चे के पास तक किस तरह से साउंड पहुँचती है और उसका परसेप्शन वो किस तरह से करता है, किस तरह से उसको इंटरप्रिटेशन करता है, उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं परसेप्शन थ्रू हियरिंग एड्स। मतलब हमने हियरिंग एड लगा दी, हमें लगा कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को किस प्रकार की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी बार जो हमारा, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं या कहीं और से आते हैं, तो ये फीडबैक रहता है कि हमने, पेरेंट्स बोलते हैं कि अब तो मशीनें भी लगा दी हैं फिर भी बच्चे नहीं सुन रहे हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उन मशीनों से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है या वो किस प्रकार की आवाज़ें सुन पा रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन ऑफ स्पीच। इसमें आते हैं दो प्रकार के वेरिएबल्स आते हैं। पहले एकॉस्टिक वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेगमेंटल्स, इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स, सुप्रा सेगमेंटल्स, रेट, इंटोनिज्म, रिदम, लेंथ ऑफ द स्पीच यूनिट, इट्स फोनेटिक कंटेक्स्ट, intensity at which it is uttered, whether it is degraded by noise or filtering effect of the hearer's listening ability to perceive message. तो acoustic variables में सबसे पहले है segmentals, मतलब individual speech sounds, कि उस बच्चे को कौन कौन से sounds जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। सुप्रा सेगमेंटल मतलब जैसे कि हम स्वर और व्यंजनों को जब हम जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं तो सेंटेंस बोलने के टाइम हमारी जो स्पीच है वो मोनोटोनस नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं। जैसे अगर हम कुछ किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देना चाह रहे हैं तो हम उसको एम्फेसाइज करके बोलेंगे, उसको स्ट्रेस ज़्यादा करके बोलेंगे। तो ये वाले फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चा हियरिंग एड के थ्रू जो है उनको परसीव करे, क्योंकि जब तक वो डिफरेंस उसको हियरिंग एड के थ्रू सुनाई नहीं देगा वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अगर ये फीचर्स उसने कभी सुना ही नहीं है या जो वो स्पीच है अगर उसकी हियरिंग एड की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक स्टैटिक स्पीच उसको सुनाई दे रही है तो उसकी स्पीच भी वैसे ही डेवलप हो जाएगी। तीसरा ये है कि लेंथ ऑफ द स्पीच यूनिट, कितनी लेंथ है स्पीच यूनिट की जब वो जिसको वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है या सुन पा रहा है या एक्युमुलेट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, और फोनेटिक कंटेक्स्ट क्या है उस स्पीच का, जो साउंड है उसका क्या फोनेटिक कंटेक्स्ट है, मतलब आसपास के जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं ताकि बच्चा उनको समझ पा रहा है। उसके बाद आता है कि इंटेंसिटी एट विच द साउंड इज अटर्ड,
कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ने हियरिंग एड या बड़े ने हियरिंग एड लगाई है और वो बैठा है, मगर एक्सटर्नल नॉइज जो है वो इतना ज़्यादा है कि उसको सुनाई नहीं देता कि वो क्या बोल रहे हैं, मतलब शोर ज़्यादा आ रहा है और जो स्पीच है स्पीकर की वो उसको कम सुनाई दे रही है। ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जो स्कूल्स में बच्चे जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि एक क्लास जिसमें 30-40 बच्चे बैठे हैं वो सब बच्चे कुछ ना कुछ ठीक है थोड़े टाइम तक चुप बैठते हैं, उसके बाद हर बच्चा थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमिंग साउंड कंटिन्यूअसली आती रहती है। तो वो जो बैकग्राउंड नॉइस है वो जो है वो हियरिंग एड यूजर्स के लिए कई बार काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उस प्रकार का हियरिंग एड होना चाहिए जिनमें ये वाली सारी बैकग्राउंड नॉइस जो है ये एम्पलीफाई ना हो, इनफैक्ट ऐसा सर्किट हो जिसमें जो बैकग्राउंड नॉइस है वो सप्रेस हो जाए और जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है जो कि बच्चे को यूज़ करना है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि स्पीकर क्या बोल रहा है उसके ऊपर स्पेशल एम्फोसिस दिया जाए। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये स्पीच परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स भी हैं जो स्पीच परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला तो ये है कि बच्चे की क्या वोकैबुलरी है, बच्चे को जो वर्ड बोला जा रहा है उसको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। अगर उसकी वोकैबुलरी में वो वर्ड है वो तभी समझ पाएगा, नहीं तो हर वर्ड उसके लिए जागन है। हमें उसकी लेवल पे आके ही वही वर्ड्स यूज़ करने हैं जो हमें लगता है कि बच्चा ने सुने हैं। दूसरा ये कि लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पीच परसेप्शन, कि जो लेंथ है सेंटेंस की और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जैसे कि पहले भी बताया है कि वो वर्ड्स बच्चे की वोकैबुलरी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स देंगे बच्चे को या जो लॉन्ग लॉन्ग वर्ड्स हैं तो अगर बच्चे का टेंशन इतना नहीं है तो वो फुल सेंटेंस को नहीं सुनेगा, वो फर्स्ट 2-3 पार्ट्स को सुन के उसकी लिसनिंग हो गई तो वो मतलब क्या समझेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ऑडिटरी सिग्नल उसको जाए वो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, कि अगर आप 5 साल के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं तो आपका जो ऑडिटरी इनपुट है वो 5 साल के नॉर्मल बच्चे की तरह होना चाहिए, या आपको बच्चे का लेवल पता होना चाहिए कि इतनी लेवल पे कॉम्प्रिहेंड करता है तो मुझे भी इतने ही वर्ड्स या सेंटेंसेस इसको बोलने हैं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उसके साथ इतना बोलने का, और उतना ही उसका हियरिंग एड के थ्रू वो परसीव करेगा। उसके बाद परसेप्शन थ्रू हियरिंग एड्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टाइप ऑफ हियरिंग एड, मोनोऑरल और बाइनोरल एम्पलीफिकेशन, ट्रेनिंग विद द यूज ऑफ हियरिंग एड्स एंड फंक्शनल गेन एडेड ऑडियोग्राम टू बी कंसिडर्ड। पहला क्राइटेरिया जो हमारा है टाइप ऑफ हियरिंग एड, इसका मतलब है कि आप किस प्रकार का हियरिंग एड यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप रिकलेक्ट करें कि मैंने आपको 5-6 टाइप की हियरिंग एड्स दिखाए थे, अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि हियरिंग एड के जो सर्किट्स हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आने लगे हैं। किसी में कोई एक फीचर है जो कि दूसरे में नहीं है, कोई है जिसमें सारे फीचर्स अच्छे हैं मगर एक नॉइज सप्रेशन प्रॉबेबली नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हियरिंग एड के क्या क्या फीचर्स हैं और बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे अगर बच्चा या बड़ा, जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है जिसका ऑडियोग्राम हमें ये बता रहा है कि उसको स्लोपिंग लॉस है, मतलब उसको हाई फ्रिक्वेंसी लॉस है, मतलब वो जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड्स पिकअप नहीं कर रहा है, तो जो हियरिंग एड हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे वो इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें स्पेशल एम्फोसिस ऑन हाई फ्रिक्वेंसी हो। अदरवाइज अगर हम एक नॉर्मल बॉडी लेवल हियरिंग एड दे देंगे जो एक यूनिफॉर्म वे में एम्पलीफिकेशन करता है तो वो वाले साउंड्स फिर उसके निकल जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइप ऑफ हियरिंग एड जो है दैट डिपेंड्स अ लॉट कि लॉस किस काइंड का है, ऑडियोग्राम का पैटर्न क्या है, कितना लॉस है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि मोनोऑरल वर्सेस बाइनोरल एम्पलीफिकेशन, अगर दोनों कानों में प्रॉब्लम है तो दोनों कानों के लिए अलग हियरिंग एड्स चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसे पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स आते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो मजबूरी के कारण हमें उनको एक हियरिंग एड देना पड़ता है। बट अगर देखा जाए तो भगवान ने हमें इसी तरीके से बनाया कि हमारे दो कान हैं। अगर हम बोलेंगे हम एक कान बंद करके दूसरे का इस्तेमाल करके पूरा यूटिलाइज करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि डायरेक्शन कहाँ से आ रही है आवाज की, पोजीशनिंग में खास करके इसका पोजीशनिंग लोकलाइज करना साउंड को, उसकी डायरेक्शनैलिटी पता करना कि लेफ्ट से है राइट से है, उसके लिए तो दोनों कानों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने अभी बताया था कि हम जब इस चीज को जज करते हैं तो बेटर ईयर के बारे में आपने बात किया था, ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं हमारे दोनों कानों की जो सुनने की क्षमता है वो अलग अलग ढंग से प्रभावित हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें अलग अलग हियरिंग एड्स की तरफ ही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, और दोनों कान में हियरिंग एड्स जो है अगर लॉस ज़्यादा है तो हर एक कान का अपना काम है, तो जहाँ पे जैसे एम्पलीफिकेशन चाहिए बाइनॉरल एम्पलीफिकेशन, अगर दोनों कानों में सेम लॉस भी है, जैसे कि हमारे पास काफ़ी अब छोटे बच्चे अवेयरनेस पड़ गई है तो इतने मतलब 6-8 महीनों के बच्चे भी हमारे पास आते हैं या 1 साल के बच्चे आते हैं, तो अगर उनकी एड्स इंडिविजुअल हों अलग अलग हों तो बहुत अच्छा है। ऐसी एड्स भी आती हैं जिनमें एड्स मतलब तारे जो हैं एक ही एड होगी और उससे 2 तार निकल के एक एक कान में जाएगी, तो गेन जो है वो डिवाइड हो जाता है क्योंकि एक ही तार से दोनों कानों में जा रहा है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हर कान में जितना ज़रूरी है उतनी एम्पलीफिकेशन दें, और अगर एक ही हियरिंग एड देनी है ड्यू टू एनी रीज़न तो जो बेटर ईयर है हियरिंग एड हमेशा उस कान में लगती है। अगर ऐसा केस हो कि जिसमें एक कान नॉर्मल है और दूसरे कान में सुनने की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कान में हम हियरिंग एड देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर ओवर एम्पलीफिकेशन होगी तो जो नॉर्मल कान है उसके हेयर सेल्स भी ज़्यादा आवाज़ से जो है वो डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो मोनोऑरल है या बाइनॉरल एम्पलीफिकेशन है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द हियरिंग एड। उसके बाद ट्रेनिंग विद द यूज़ ऑफ हियरिंग एड, सिर्फ हियरिंग एड दे देना और ये सोचना कि इंडिविजुअल जो है वो खुद सीख जाएगा, ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। काफ़ी बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जिनको जब हम एड दे देते हैं उसके बाद वो मतलब एड लेके घर चले जाते हैं, उनको बोला जाता है कि उनको ट्रेनिंग के लिए आना है मगर वो नहीं आ पाते हैं या उनको उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं होता है। 1-2 साल के बाद वापस आते हैं और हम लोगों को हमें ये बोलते हैं कि मैडम ये तो अभी तक कुछ नहीं सुनता। अगर कोई बच्चा है उसको हियरिंग एड 8 साल की उम्र में हमने लगाया है तो 8 साल का जो गैप है वो घर पे बैठे बिठाए पूरा नहीं हो सकेगा, हमें उस बच्चे को ट्रेन करना पड़ेगा थ्रू ऑडिटरी ट्रेनिंग, जो कि हमारे अभी प्रेजेंटेशन में हम नेक्स्ट बताएंगे। जब तक वो ऑडिटरी ट्रेनिंग हम नहीं देंगे बच्चे को तो आवाज़ अगर आ भी रही है तो वो पहचान नहीं पा रहा किस चीज़ की आवाज़ है, उसके बिना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, हियरिंग एड लगाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। और फंक्शनल गेन एडेड ऑडियोग्राम टू बी कंसिडर्ड, फंक्शनल गेन का मतलब है कि जब हम हियरिंग एड किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम देखते हैं कि उस हियरिंग एड से उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ ये ऐसे नहीं दे देते कि ये एड हमें लग रहा है ठीक है, उसके बाद वापस से हम प्लॉटिंग करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं वो स्पीच बनाना करके मतलब जो हमारा सुनने का जो ग्राफ मैंने आपको बताया था उसमें एक एरिया आता है जो एक बनाना की शेप में होता है, अगर हमारे रिस्पॉन्सेज उस बनाना के अंदर हैं तो मतलब हमें एड से फ़ायदा हो रहा है। अगर रिस्पॉन्सेज मतलब हमारे जो कन्वर्जेशनल जो हम बातचीत करते हैं ना मोस्टली साउंड उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर वो उसके अंदर फॉल नहीं करते हैं तो हमें उस हियरिंग एड से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जो हम एड लगा के रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि कितने हैं कितने नहीं हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल गेन। तो फंक्शनल गेन भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली हमें एड से कितना फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी जगह बाहर पे जब हम जाते हैं अगर क्लिनिक्स ना हों तो काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं कि किसी दुकान से जाके हियरिंग एड खरीद लेते हैं जहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या होता है कि उनको फंक्शनल पता ही नहीं चलता कि कितना इस एड से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एड जो है वो बेस्ट हियरिंग एड हो उस व्यक्ति के लिए, इसीलिए हम हर एक को रिकमेंड करते हैं कि एक प्रॉपर क्लिनिक जहाँ पे एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है आप उससे हियरिंग एड लीजिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके जो मशीन आपने ली है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। अब हियरिंग एड इवैल्यूएशन मतलब एक हमें लगता है कि ये हियरिंग एड इस बच्चे के लिए या बड़े के लिए ठीक है, हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा हियरिंग एड किस इंसान के लिए ठीक है। ओवरऑल तो मैंने ये बता दिया कि डिपेंड करता है कि कितना लॉस है किस काइंड का लॉस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट उसके आगे भी टेक्निकली और भी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो वो है हियरिंग एड इवैल्यूएशन।
An audiological evaluation or a hearing aid evaluation is conducted after a careful history of the client is obtained via direct questioning or from a physician's report. Client information, history and evaluation results are recorded on an audiometric worksheet. इसका मतलब ये है कि जो audiological evaluation है वो एक काफ़ी केयरफुल केस हिस्ट्री ली जाती है इंडिविजुअल की, और जो इन्फॉर्मेशन हमें रेफरिंग डॉक्टर ने भेजी होती है उसके बेसिस पे हम ऑडियोग्राम पे वो नोट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हिस्ट्री जो है वो हमारे रिजल्ट से कोरिलेट करती है. जैसे कि अगर कोई हमें हम ऑडियोग्राम लेते हैं या अगर हम कान के अंदर को इमिटेंस करते हैं, वो भी एक प्रोसीजर है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मिडल ईयर जो है वो ठीक फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और पेशेंट हमें बताता है कि हाँ मुझे एक दो साल पहले कान से पानी आया था या मेरे पर्दे में कभी छेद हो गया था, डॉक्टर ने दवाई दी थी उससे ठीक हुआ था, तो वो हमारा जो फाइंडिंग्स हैं इमिटेंस में और जो उसकी हिस्ट्री है वो कोरिलेट करती हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट की जो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ऑडियोग्राम शीट पे जॉटेड हो, और केस हिस्ट्री डिटेल में लेना, एक अच्छी केस हिस्ट्री लेने से ही हमारी 25% ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. इसके लिए प्योर टोन एवरेज निकालना ज़रूरी है. प्योर टोन एयर कंडक्शन रिस्पॉन्सेज हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर ईच ईयर. द रिस्पॉन्सेज एट 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज एंड 2000 हर्ट्ज आर एवरेज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द समरी चार्ट ऑफ द ऑडियोग्राम एंड दीज आर मेजर्ड इन डेसिबल्स डीबी. जैसे कि मैंने आपको ग्राफ की बात करी थी कि जो हम हियरिंग टेस्ट करते हैं, अगर हम आसान भाषा में बोलें तो सुनने का जो ग्राफ हमारा बनता है उसको हम प्योर टोन ऑडियोग्राम बोलते हैं, और तीन फ्रीक्वेंसीज 500, 1 किलो 1000 एंड 2000 किलो हर्ट्ज पे हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी को प्लस करके 2 से डिवाइड करके प्योर टोन एवरेज निकालते हैं. उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि इस इंडिविजुअल को कितना हियरिंग लॉस है. तो हियरिंग एड इवैल्यूएशन और फिटिंग से पहले हमारे पास ये जो है पीटीए होना बहुत ज़रूरी है. उसके बेसिस पे ही हम क्लास ऑफ हियरिंग एड डिसाइड करेंगे कि इसको मॉडरेट क्लास लगेगी या माइल्ड क्लास लगेगी या सीवियर क्लास या स्ट्रॉन्ग क्लास हियरिंग एड लगेगी. वो बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिस पे ही ऐसे होता है. उसके बाद हम निकालते हैं मोस्ट कंफर्टेबल लिसनिंग लेवल. द हियरिंग लेवल एट विच अ क्लाइंट फाइंड्स लिसनिंग टू वर्ड्स और स्पीच मोस्ट कंफर्टेबल. इंडिविजुअल्स विद नॉर्मल हियरिंग फाइंड स्पीच मोस्ट कंफर्टेबल बिटवीन 40 to 60 dB. मोस्ट कंफर्टेबल लेवल निकालना इसलिए ज़रूरी है, उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि हम आपको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे या कोई साउंड बताएंगे, और एक स्पेसिफिक मतलब लेवल पे हम उसको वो साउंड हेडफोन के थ्रू देते हैं, और उसको हम ये बोलते हैं कि तुम तब इंडिया हमें बताओ जब तुम्हें ये बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है. और वो मोस्ट कंफर्टेबल लेवल निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हम एक और लेवल निकालते हैं और इन दोनों को कंपेयर करके हियरिंग एड का जो फिटिंग है उसके हिसाब से करते हैं कि उसका साउंड इतना होना चाहिए कि मोस्ट कंफर्टेबल लेवल से अनकंफर्टेबल के लेवल के बीच में ही रहे, ताकि उसको डिसकंफर्ट ना हो हियरिंग एड से. एंड यूजुअली अगर किसी को सुनने की प्रॉब्लम नहीं है तो 40 to 60 dB जो कि नॉर्मल कॉन्वर्जेशनल लेवल है उसके बीच में हम सबका कंफर्टेबल मोस्ट कंफर्टेबल लेवल रहता होगा. Uncomfortable listening level UCL, the hearing level at which a client finds speech uncomfortably but not painfully loud. The uncomfortable level is an important parameter of hearing aid fitting. It is also measured in decibel dB. इसका मतलब है कि uncomfortable listening level वो level है जिसमें patient ये बताता है कि मुझे इस level पे सुनना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को थोड़ा ज़ोर से लग रहा है मगर पेन नहीं हो रहा है. तो इन दो लेवल का क्या सिग्निफिकेंस है? इनका ये सिग्निफिकेंस है कि जो अगर अनकंफर्टेबल लेवल एंड कंफर्टेबल लेवल की जो रेंज है जितनी ब्रॉड होगी ना उतनी हमारे पास मैनूवरिंग पावर ज़्यादा रहती है कि हम हियरिंग एड को इतना मतलब मार्जिन दे सकते हैं कि वो इधर से उधर तक मतलब उतना उसकी लिमिटेशंस कम है. अगर किसी का कंफर्टेबल लेवल एंड अनकंफर्टेबल लेवल का जो रेंज है वो बहुत कम है, मतलब हमारे पास मैनूवरिंग की पावर बहुत कम है, तो स्पेसिफिक मतलब इंटेंसिटी का ही दे पाएंगे.
और थोड़ा सा भी अगर स्ट्रॉन्ग दे दिया तो वो बोलेगा कि मेरे को पेन हो रहा है हेयरिंग एड से और मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो ये रेंज जितनी ब्रॉड है, जैसे 40-100 या 40-120, उतना ही ज़्यादा अच्छा है और टॉलरेंस प्रॉब्लम के चांसेस कम है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम हियरिंग एड यूज़र्स के साथ देखते हैं वो है टॉलरेंस प्रॉब्लम। ज़रा सी आवाज़ अगर बढ़ती है तो उनको बिल्कुल वो मतलब उसको सहन नहीं कर पाते हैं। एंड ये प्रॉब्लम जो है ये BTEs में बहुत कॉमन है कि जो साउंड्स एम्पलीफाई नहीं भी होनी चाहिए, जैसे कि पंखा है या किसी ने अगर कुछ खींचा तो उसकी आवाज़ वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होके कान में जाती है और फीडबैक बहुत होता है, और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो थोड़े टाइम के बाद फिर हियरिंग एड लगाने से भी मना करते हैं, खासकर बच्चे। जब तक हम इन पैरामीटर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कंफर्टेबल लिसनिंग नहीं हो पाएगी। इसका बहुत ही पहला एग्जांपल है कि जो चश्मा हम लगाते हैं यदि वो हमें इस पॉइंट पे ये अगर फंस रहा है या अगर उसकी पावर सही नहीं है तो या तो हमें हेडेक हो सकता है या सर चक्रा मतलब विजन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ी देर के बाद जिस इंसान को गलत चश्मा लगेगा वो उसको लगाने से इनकार कर देगा। उसी तरीके से हियरिंग एड अगर अनकंफर्टेबल है पेशेंट के लिए तो वो हियरिंग एड भी पहनने से इनकार कर सकता है। इसका कहीं ना कहीं इस बात का डायरेक्टली यूज इस बात में है कि एक पर्सन पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर के उस वॉइस को रिसीव करे। बिल्कुल जी। और उसके रेंज में हो जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी आवाज बढ़ जाती है तो उसको ऐसा ना लगे कि ये मेरा सर दुख रहा है या मैं अब इसको पहन नहीं सकता हूँ। तो ये पैरामीटर्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम निकालते हैं स्पीच रिकग्निशन थ्रेशोल्ड, जिसको SRT भी बोलते हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि सारी टर्म्स जो हैं या ये जो प्रोसीजर्स हैं ये टेक्निकली ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं टू फाइंड आउट वेदर द हियरिंग एड जो वो सोच रहे हैं कि पेशेंट को सूट करेगा वो सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें आता है कि स्पीच रिकग्निशन थ्रेशोल्ड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स एज आर प्योरटोन थ्रेशोल्ड्स। द SRT इज जनरली कंडक्टेड वाया एयर कंडक्शन बट मे बी कंडक्टेड बाई बोन कंडक्शन एज वेल। द SRT इज मेजर्ड इन डेसिबल्स एंड शुड कॉरिस्पॉन्ड क्लोजली टू द प्योरटोन एवरेज। टू सिलेबल वर्ड्स कॉल्ड स्पॉन्डी वर्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट। द SRT इज डिफाइंड एज द लोएस्ट हियरिंग थ्रेशोल्ड लेवल at which 50% of a list of spondy words is correctly identified for each ear. इसका मतलब है कि जो SRT है speech recognition threshold वो और जो pure tone के हमारे pure tone average आता है वो दोनों एक दूसरे को correspond करना चाहिए। जैसे अगर हमारा pure tone average आ रहा है 50 तो 60-70 पे हमारी SRT आ जाती है mostly। एंड जो SRT है वो lowest hearing level है जहाँ पे 50% एक लिस्ट में वर्ड्स लिखे होते हैं जो मतलब बैलेंस्ड वर्ड्स होते हैं और उसमें से उस लिस्ट में से एटलीस्ट 50% वर्ड्स जो है उस पेशेंट को ठीक से रिपीट करने हमारे पीछे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हियरिंग एड इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि अगर SRT के जो स्कोर्स हैं वो सही नहीं आ रहे तो इसका मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट हियरिंग एड से नहीं हो रहा है। तो ये भी ऑडियोमीटर के थ्रू ही चेक किए जाते हैं एंड हेडफोन्स के थ्रू स्पीच के वर्ड्स दिए जाते हैं एंड पेशेंट को रिपीट बैक करने होते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है। इसके बाद आ जाता है वर्ड डिस्क्रिमिनेशन स्कोर WD। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन स्कोर इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स करेक्टली अंडरस्टूड व्हेन प्रेजेंटेड एट मोस्ट कंफर्टेबल लेवल और एट ए नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीच लेवल। इसका ए फोनेटिकली बैलेंस्ड वर्ड लिस्ट कंटेन्स ऑल द कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड टू ईच ईयर। द WDS इज द नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स रिपीटेड फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन ऑफ 20 और 50 PB वर्ड्स फ्रॉम अ स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड लिस्ट। इसमें भी कुछ फोनेटिकली बैलेंस्ड वर्ड्स होते हैं और पेशेंट को वर्ड्स रिपीट करने हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका वर्ड डिस्क्रिमिनेशन स्कोर क्या है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक वर्ड दो वर्ड्स डिफरेंट है, इस ये डिफ्रेंसीशन करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ काइंड के लॉसेस में जैसे कि जो सेंसरी न्यूरल लॉस था जो मैंने बताया था कि नर्व अफेक्टेड है उसमें डिस्क्रिमिनेशन वैसे भी अफेक्ट हो जाती है। तो हो सकता है अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि पानी पियो, उसके वो सुन रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ बोला है, पानी पियो की जगह वो तानी पियो सुन रहा है,
तो डिस्क्रिमिनेट करना और उस वर्ड को समझना जो है वो अफेक्टेड हो सकता है. तो हियरिंग एड लगाने के बाद ये स्कोर निकालना जो है ये भी बहुत ही ज़रूरी है. एंड दो और फैक्टर्स जो भी जो कि कंसिडर किए जाने चाहिए वो हैं इलेक्ट्रोकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हियरिंग एड और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हियरिंग एड. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हियरिंग एड के बारे में बात करते हैं उसका ये मतलब है कि जितना आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक हियरिंग एड से कि इससे इतना फ़ायदा होना चाहिए वो फंक्शनल गेन के थ्रू पता चलता है और मैक्सिमम आउटपुट लेवल से पता चलता है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम सोच रहे हैं कि ये हियरिंग एड बेटर है इससे इतना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो वो वाले फीचर्स जो हैं वो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हियरिंग एड एनालाइजर बोलते हैं. उसमें एनालाइज किया जाता है कि फैक्ट्री से इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफिकेशंस पूरी भी हो रही हैं कि नहीं तो वो जो है वो हियरिंग एड एनालाइजर के थ्रू हम देखते हैं. एंड नॉन इलेक्ट्रोकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्वियसली वही चीज़ आती है कि एक हियरिंग एड है कि दो है या किस काइंड का हियरिंग एड है उसमें क्या क्या कंप्रेशन सर्किट्स हैं और बाकी जो उसके एडेड फीचर्स हैं वो उसके अंदर आते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं ये हियरिंग एड इवेल्यूएशन में बहुत ही ज़रूरी हैं और इनका ध्यान रखना ज़रूरी है हियरिंग एड फिटिंग के टाइम. तो इसके बाद हम कवर करेंगे ऑडिटरी ट्रेनिंग जिसमें हम बताएंगे कि हियरिंग एड लगाने के बाद किस तरीके से आवाज़ों की पहचान कराई जाती है. जी जो आप कह रहे थे कि अक्सर होता यह है कि हमने एड्स तो लगा दिया लेकिन उसके बाद पेरेंट्स ये समझते हैं कि अब जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन उनको कुछ समझना चाहिए कि उसके बाद में ऑडिटरी ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिसके बिना हियरिंग एड्स का कोई फायदा नहीं है स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन. एडल्ट्स में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ सकती या अगर नहीं भी होएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो लैंग्वेज सीख चुके हैं. पहले से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो वो मिस आउट कर रहे हैं उनको सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना. मगर बच्चे जिनकी अभी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी है उनको तो स्टार्टिंग से ही डेवलप करना है तो उनके लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है. तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि सिर्फ हियरिंग एड लगाना अपने आप में एंड ऑफ द प्रोग्राम नहीं है बल्कि वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है कि बच्चों की ऑडिटरी ट्रेनिंग भी कराई जानी चाहिए क्योंकि बच्चे ने पहले से कोई भी साउंड परसीव नहीं किया है कोई भी साउंड उसने रिसीव नहीं किया है साउंड की इंटरप्रिटेशन उसे अच्छी तरीके से नहीं आती है उसे ये नहीं पता है कि जो साउंड आ रही है उस चीज़ का मतलब क्या होता है. और यहाँ पर एक एक्सपर्ट की भूमिका आ जाती है. कभी भी इस चीज़ को नज़रअंदाज न करें. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑडिटरी ट्रेनिंग बच्चों को किस प्रकार से दी जाती है. Thank you.
वेलकम माई फ्रेंड्स, आज हम हियरिंग एड्स के बारे में बात कर रहे हैं और अब चर्चा करेंगे इस बात पर कि बच्चों को हियरिंग एड देने के बाद में उनकी ऑडिटरी ट्रेनिंग किस तरह से की जाए। और इस सब्जेक्ट पर मिस विभा महाजन जी हमारे साथ बनी हुई हैं। आइए देखते हैं कि ऑडिटरी ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है। जी मैम, ऑडिटरी ट्रेनिंग का मतलब है कि जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हियरिंग एड के थ्रू, उनका मतलब परसीव करके उनको समझना। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है एंड काफ़ी रिसर्चर्स ने इसकी कुछ कुछ स्टेजेस दी हैं एंड एक एक लिंक की है स्टेज जो हम मोस्टली हम सब लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ऑडिटरी ट्रेनिंग है क्या। ऑडिटरी ट्रेनिंग इज़ ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर डिजाइन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सनस हियरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हिज टोटल परसेप्शन। ये सैंडर्स ने 1971 में दिया था। जैसे कि फर्स्ट लाइन में बताया गया कि सिस्टमैटिक है, ये रैंडम प्रोसीजर नहीं है, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज एंड उन्हीं के थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन जा रही है किसी के कान में हियरिंग एड के थ्रू, उसको बेटर करने की हम कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो प्रेजेंटेशन के बीच में कभी हमने इस बात के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी बच्चे को आवाज़ जा भी रही है मगर उसको मालूम नहीं कि उस आवाज़ का क्या मतलब है, तो वो कम्युनिकेशन में किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगी। जी, जी। तो उस जो आवाज़ जा रही है उसकी पहचान करना, उसको समझना और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करना, रिएक्ट करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वही ऑडिटरी ट्रेनिंग का गोल है। अप्रोचेस टू ऑडिटरी ट्रेनिंग, काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि ऑडिटरी ट्रेनिंग किस तरीके से करनी चाहिए एंड तीन मेन अप्रोचेज जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। नेचुरल कन्वर्जेशनल अप्रोच, मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड प्रैक्टिस ऑन स्पेसिफिक टास्क। तो जो नेचुरल कन्वर्जेशनल अप्रोच है, द टीचर एलिमिनेट्स विजिबल क्यूज एंड स्पीक्स टू द चाइल्ड इन अ नेचुरल वे। ये एक ऐसी अप्रोच है जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ की जा रही है, जहाँ पे हम विजुअल क्लूज जैसे कि किसी के चेहरे की तरफ देख के समझना या उसके भावों को समझ जाना कि क्या कंटेक्स्ट हो सकता है, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। और जो टीचर है या ट्रेनर है वो उस पेशेंट के साथ एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल कन्वर्सेशनल वे में बात करता है, ताकि जो इंडिविजुअल सीख रहा है वो भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में सीखे, उसके लिए कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा है मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, द टीचर अप्लाइज अ क्लोज सेट ऑफ ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन टास्क। क्लोज सेट ऑफ ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन टास्क का मतलब है कि ऑप्शंस दी जाती हैं, मतलब तीन या चार, क्लोज सेट का मतलब है कि चार ऑप्शंस हैं, आप उस बच्चे को या बड़े को कुछ पूछते हो एंड उसको उन्हीं चार ऑप्शंस में से कुछ चूज करना है। तो ये मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड इसलिए हो गई क्योंकि अगर आप नेचुरली बात कर रहे हो तो
एक ही चीज के 10 आंसर्स हो सकते हैं, मगर जब आप 4 ऑप्शंस दे रहे हो तो वो आपने एक तरीके से फोकस करके उसको क्लोज सेट बना दिया है एंड वो सुन के बच्चे को रिप्लाई करना है कि आप क्या आंसर चाहते हो. एंड थर्ड जो है प्रैक्टिस ऑन स्पेसिफिक टास्क. टीचर प्री सेलेक्ट्स द सेट ऑफ एकोस्टिक स्पीच स्टिमुलाई एंड ऑल्सो द चाइल्ड्स रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज. तो क्लोज सेट की तरह ये जो तीसरा है इसमें और ज़्यादा सिलेक्टिव टारगेट्स ले लिए जाते हैं एंड पहले उन्हीं के ऊपर काम किया जाता है, मतलब उनके मतलब मीनिंग्स जो हैं या उनको डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे को या बड़ों को जिसको भी आप ऑडिटरी ट्रेनिंग दे रहे हो उनकी पहचान अच्छे तरीके से हो जाए उसके बाद आप बात करें. मगर जनरली जो प्रोटोकॉल हम अब फॉलो करते हैं वो ये है कि हम एक बहुत ही नेचुरल वे में हम बोलते हैं कि अगर हियरिंग एड बच्चे को लगा दिया है और अगर एप्रोप्रिएट हियरिंग एड लगाया गया है तो उससे उसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए हम नेचुरल वे में उनसे बात करते हैं ताकि जहाँ से भी वो ऑडिटरी स्टिमुलाई या क्यूज पिकअप कर सकें वो करें और उनको आस्ता आस्ता अपने हियरिंग में इनकॉर्पोरेट करते जाएँ. उसके बाद आती है कारहर्ट्स अप्रोच जो कि 1974 में कारहर्ट ने हमें दी थी. इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग ए कमांड ऑफ लैंग्वेज, डेवलपिंग स्पीच एंड लैंग्वेज एंड एनकरेजिंग एडजस्टमेंट टू द वर्ल्ड ऑफ हियरिंग पीपल. फर्स्ट स्टेज इज डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस ऑफ साउंड. सेकेंड स्टेज इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस साउंड डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज हाईली डिसिमिलर नॉन स्पीच साउंड्स लाइक बेल एंड ड्रम. Third stage involves discriminations among simple speech patterns and the last stage involves development of fine speech. तो अगर देखा जाए इसमें 4 levels हैं. First level है कि awareness, मतलब आवाज़ का होना या ना होना कि ये develop की जाती है Carhart approach में. Second stage involves development of gross sounds discrimination. दो environmental sounds, for example bell एंड ड्रम, जो बेल है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है एंड ड्रम जो है वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड है, तो उन दोनों एनवायरमेंटल साउंड्स दोनों एक दूसरे से ना पोल्स अपार्ट है. जैसे लड़का और लड़की की आवाज़, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, मेल्स की आवाज़ भारी होती है. तो ग्रॉस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड के ऊपर हम पहले वर्क करते हैं. उसके बाद हम आते हैं स्पीच पैटर्न्स पे, पहले एनवायरमेंटल हो गया उसके बाद स्पीच पैटर्न्स के ऊपर वर्क करते हैं एंड जो लास्ट स्टेज है वो है हम वर्क करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फाइन स्पीच के ऊपर. स्पीच भी पहले ग्रॉस होती है फिर फाइन जाती है. ग्रॉस का मतलब दो बहुत ही अलग साउंड्स, जैसे पापा हो गया और दूसरा हो गया केला. एंड जब हम फाइन की बात करते हैं वो हो गई पापा और बाबा, तो मतलब एक ही कॉन्सोनेंट चेंज हुआ मगर वर्ड की जो लेंथ है वो उतनी रही और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रही. तो उस तरीके से इन 4 स्टेजेस को हम फॉलो करते हुए, जो लोग कारहर्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं वो 4 स्टेजेस में जाते हैं. इसके बाद आती है एकोपेडिक अप्रोच बाय पोलैक इन 1970. यूजेस यूनिसेंसरी अप्रोच. इट एक्सक्लूड्स ऑल विजुअल क्यूज सच एज स्पीच रीडिंग ड्यूरिंग अर्ली ट्रेनिंग. तो ये जो कारहर्ट पोलैक की अप्रोच है ये टोटली ऑडिटरी अप्रोच है, इसलिए इसको यूनिसेंसरी मतलब एक सेंस का इस्तेमाल, और वो सेंस जो है वो हियरिंग की सेंस है. इसमें ये सारे जो विजुअल क्यूज हैं, स्पीच रीडिंग है, उन सब को मना करते हैं यूज़ करने से एंड ये मानते हैं कि बच्चे को सिर्फ ऑडिशन के थ्रू जो है सुनने की कोशिश करनी है और समझना है कि क्या कहा जा रहा है. सो इट्स ए टोटली ऑडिटरी बेस्ड अप्रोच. उसके बाद क्रेचमर्स अप्रोच जो 1974 में क्रेचमर्स ने हमें दी है. यूज ऑफ एक्सटेंसिव ऑडिटरी चैनल. एक्सरसाइजेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हैविंग द चाइल्ड लर्न एंड अप्लाई लिंग्विस्टिक रूल्स थ्रू ऑडिशन, ऑडिटरी एक्सपेंशन एंड लैंग्वेज रिहर्सल टेक्निक्स. इंक्लूजन ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक टास्क सच एज एनवायरमेंटल साउंड्स occurs only when such sounds relate to the specific therapy experiences used to develop a particular linguistic principle. तो इसमें भी ऑडिटरी चैनल का ही मेजर इस्तेमाल किया जाता है एंड ये जो क्रेचमर है ये मानते हैं कि जो एनवायरमेंटल साउंड्स हैं उनको हम तभी यूज़ करेंगे ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए जब वो वाले साउंड्स का स्पीच में कुछ रेलेवेंस है.
अगर रेलेवेंस नहीं है तो हम नॉन एनवायरमेंटल साउंड्स के ऊपर काम नहीं करेंगे. जबकि अगर आपको याद हो कि जो पहली अप्रोच जिसके बारे में हमने बात की थी, उनका सेकंड स्टेप ही यही था कि वो नॉन मतलब एनवायरमेंटल साउंड्स के ऊपर वर्क करने के बाद स्पीच साउंड्स के ऊपर जाते हैं. जबकि इस अप्रोच में आप नॉन एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंटल साउंड्स का नॉन स्पीच साउंड्स का यूज़ तभी करेंगे जब वो स्पीच से रिलेटेड होंगे, अदरवाइज आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप एज अ गोल उन एनवायरमेंटल साउंड्स को नहीं लेंगे. एंड जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हिर्श अर्बर एंड लिंक की जो 76 में दी गई, जो कि हम अभी तक इस्तेमाल करते हैं, उसके चार मेन स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है डिटेक्शन. इसमें डिटेक्शन का मतलब है डिटेक्शन या अवेयरनेस दोनों ही सेम चीज़ें हैं. एंड लिंक के सिक्स साउंड लिंक ने कुछ सिक्स साउंड्स प्रपोज किए थे, आ ई ऊ स श और म. तो जब आप बच्चे को ट्रेन करते हैं आप उसको ये बताते हैं कि उसको सिर्फ ये बताना है कि आवाज़ है कि नहीं है. तो इसमें एक्टिविटी ये होगी कि आप बच्चे को बोलेंगे कि जब भी तुम्हें आवाज़ आए तुम हाथ खड़े करो. तो आप उसको अपना बैक उस अपनी तरफ करके उसको बिठाएंगे और आप बोलेंगे आ, तो बच्चा हाथ ऊपर करेगा, ई वो हाथ ऊपर करेगा. मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपने आ बोला तो उसको आपके पीछे आ रिपीट करना. फर्स्ट स्टेप इज ओनली अवेयरनेस, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साउंड. उसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है डिस्क्रिमिनेशन, कि लॉन्ग वर्ड है कि शॉर्ट वर्ड है. मतलब दो साउंड्स या दो वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, अभी भी उसको ये नहीं पहचानना है कि आपने क्या बोला है. उसको सिर्फ यही पहचानना है कि जो दो वर्ड्स आपने उसको दिए हैं वो सेम है कि डिफरेंट है. तो इस तरीके से ये आगे जाता है. या उनकी इंटेंसिटी सेम है क्या, मतलब दोनों सेम लाउडनेस से बोले गए थे या दोनों की पिच सेम है, हाई पिच लो पिच दोनों सेम थे कि डिफरेंट थे. सो एट दिस स्टेज द चाइल्ड डज नॉट हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज बीइंग सेड, ही जस्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द टू स्टिमुलाई व्हिच आर गिवन आर डिफरेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ की व्हाट दे स्टैंड फॉर. थर्ड स्टेज में आता है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि वो अब पहचानेगा कि जो आपने बोला था वो क्या था. तो ये आप अगर देखें तो स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बढ़ती जा रही है. और जो लास्ट स्टेज है वो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं बच्चे को करने के लिए, या स्टोरी विद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. आप एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चे को एंड उसको स्टोरी समझ के आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका आंसर करना है. गेसिंग गेम्स, आपने कुछ बोला उस बच्चे को गेस करना है कि आपने क्या बोला. साइमन सेज प्ले कर सकते हैं, साइमन सेज क्लोज योर आइज, तो उस बच्चे को अपनी आइज बंद करनी है. या कॉन्वर्जेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर आप ये देखें जो ये फोर्थ लेवल है लिंक की अप्रोच का, दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स लेवल. एक्चुअली ये इसका मतलब है कि बच्चा आप सुन के सब समझ रहा है और वही एक्टिविटी कर रहा है. इस लेवल तक आने के लिए बहुत हार्ड वर्क इन्वॉल्व है. एंड काफ़ी बार क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिफिकेशन के लेवल है ना वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ना डिस्क्रिमिनेशन को क्रॉस करके ना पहले से आइडेंटिफाई करने लगते हैं. जैसे आपने बोला आ तो बच्चा भी आपके पीछे आ बोलेगा, अगर आपने ऊ बोला है तो वो ऊ बोलेगा. तो मतलब वो सुन के समझ रहा है कि आपने क्या बोला. हाँ, है और उसी तो, को रिपीट भी कर रहा है. बिल्कुल, कई बार जो एक्टिविटीज हैं वो दोनों को मिक्स हो जाती हैं. बट अदरवाइज अगर हम सिस्टमेटिकली जाएं तो दीज आर डिफरेंट फोर स्टेजेस. एंड जो फोर्थ स्टेज है वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है. दैट इज अ स्टेज वेयर यू फील दैट यू वर्कड हार्ड इनफ विद द चाइल्ड, कि नाउ बच्चा समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन स्टोरी है या कोई भी सीक्वेंस है उसका आंसर दे रहा है. तो अगर आप इसमें ये देखिए कि ये एक चार्ट फॉर्म में हम मोस्टली जो अपने गोल्स हैं उनको बनाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे ये चारों लेवल्स हैं जो हमने ऑडिटरी ट्रेनिंग की बात करी है, और राइट पे हैं स्पीच एलिमेंट्स, सिलेबल्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड कनेक्टेड स्पीच. तो ये जो चार लेवल्स हैं ये भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चलते हैं. अगर हम बात करते हैं वर्ड्स की डिटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन, वो जब अचीव हो जाएगी उसके बाद हम सेंटेंस पे जाएंगे. ऐसा नहीं है कि हम पहले से सेंटेंस के ऊपर काम करना, सबसे पहले साउंड पे करेंगे, फिर उसके बाद सिलेबस पे करेंगे, फिर वर्ड्स पे करेंगे,
फिर फ्रेजेस पे करेंगे, देन सेंटेंसेज एंड कनेक्टेड डिस्कोर्स. कनेक्टेड डिस्कोर्स इज ऑब्वियसली द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इट्स द कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बच्चा एक मैच्योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाता है एंड ही इज रिलाइंग टोटली ऑन हिज ऑडिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड टू हिम. तो ये जो है मतलब कंसिडरेशन हमें रखनी है. और एक थर्ड अप्रोच भी जो हम ऑडिटरी ट्रेनिंग की अब फॉलो करते हैं वो है टोटल कम्युनिकेशन, जिसमें हम ये मानते हैं कि अगर बाय चांस बच्चा ऐसा हियरिंग एड इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसको लिमिटेड बेनिफिट मिल रहा है या जितना उसको चाहिए वो उतना नहीं दे रहा है वो हियरिंग एड उतना बेनिफिट, तो बच्चा दो तीन सेंसेस को ज्वाइन करके टोटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है. एंड प्रैक्टिकली आई फील दैट टोटल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल वे ऑफ टीचिंग स्पीच, क्योंकि नॉर्मली भी अगर हम देखें नॉर्मल बच्चों में भी तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमारे एक्सप्रेशंस भी तो देखते हैं. हम एक दूसरे के एक्सप्रेशन देख के बहुत चीज़ें समझ जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करें कि हियरिंग एड बच्चा जो है हियरिंग इम्पेयर्ड वो सिर्फ सुन के समझे. वी हैव टू कोलाबरेट एवरीथिंग, हर चीज़ हम मिक्स करके जिस तरीके से बच्चा समझे दैट कैन बी यूज. बट ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर उसको प्रॉपर हियरिंग एड्स मिली हैं जिससे उनको पूरा फ़ायदा मिल रहा है तो मेन फोकस ऑडिशन भी हो सकता है और बाकी क्यूज़ का इस्तेमाल बच्चा साथ साथ में कर सकता है. तो वी कैन एक्चुअली यूज़ टोटल कम्युनिकेशन ऑल्सो. कहीं ना कहीं टोटल हर एक अप्रोच को साथ में लेकर के और बिल्कुल जो वर्क करे बच्चे के साथ. कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है मगर हम उसको उसकी ऑडिशन को उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं तो तब हम ज़्यादा ऑडिशन पे एम्फोसाइज कर सकते हैं. अगर हमें लगता है कि बच्चे का हियरिंग एड इतना बेनिफिट दे ही नहीं रहा, हम उसको अननेसेसरली एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो हम टोटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइम पे. डिपेंड करता है ये जो है ये ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच पैथोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर फोकस करें ज़्यादा. अब जो लास्ट एक चीज़ हमें कंसिडर करनी है, टूल्स यूज्ड फॉर असेसिंग ऑडिटरी रिसेप्शन. ऑडियोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फाइंड आउट करने के लिए कि बच्चा क्या क्या परसीव करेगा. हाँ, और ऑडिटरी स्पीच परसेप्शन कि बच्चा क्या क्या समझ रहा है और उससे क्या क्या वो परसीव कर रहा है. एंड फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है वो है सिलेक्शन ऑफ हियरिंग एड्स. प्रॉपर सिलेक्शन अगर हो जाए तो अच्छी ऑडिटरी ट्रेनिंग होगी. पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है एंड कमिटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स के साथ प्रोफेशनल्स भी क्वालिफाइड हों, अच्छा हार्डवर्क करें तो ही हमें टोटल सक्सेस मिल सकता है बच्चों में. क्योंकि ऑडिटरी ट्रेनिंग एक बहुत ही मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हर एक की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है. मैम यहाँ पर हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात किया, जहाँ पर कि हमने रीजंस के बारे में भी बात किया उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर उसके भी बारे में बात किया, हियरिंग एड्स के बारे में भी और उसका किस तरह से ऑडिटरी ट्रेनिंग करनी है, इन सब सारे कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया. एक छोटा सा बात जो यहाँ पर मैं समझना चाहता हूँ, किसी किसी पेरेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, अगर वो फील करते हैं कि उनके बच्चे को हियरिंग एड लगना चाहिए उनको अप्रोच कहाँ पर करना चाहिए और किस किस तरह से अपने एक सही एड की तरफ उनको पहुंचने की मतलब. बिल्कुल सब पेरेंट्स के लिए और इवन जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर हियरिंग एड आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छा हियरिंग एड मिले और प्रॉपर जितनी एम्प्लीफिकेशन चाहिए वैसा हियरिंग एड मिले, तो आपको उन क्लिनिक्स पे जाना चाहिए या उन हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर सर्विसेज अवेलेबल हैं. काफ़ी बार पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो शॉप्स में जहाँ पे ऐसे ही वो बेच रहे होते हैं बस उन्होंने वो चाइना वाले रखे होते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि उससे ना तो पता चल रहा है कौन सा हियरिंग एड सही है. दूसरा ये कि हियरिंग एड लगाने लेने से पहले आप ये देखिए बच्चे को हियरिंग एड लगा के देखिए कि उसको कम्फर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं. एंड कभी कभी कुछ प्रोफेशनल्स जैसे ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो ट्रायल पर भी हियरिंग एड्स देते हैं, तो अगर ट्रायल पे देख के आप बच्चे के रिस्पॉन्सेज नेचुरल एनवायरनमेंट में देख सकें तो उससे ज़्यादा अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता. प्लस काफ़ी जगहों पे एडेड ऑडियोग्राम किए जाते हैं, तो मेरा मतलब ये है कहने का कि आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे प्रॉपर हियरिंग एड वैल्यूएशन का सेटअप हो, वहाँ पे आप चाहे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा या कुछ भी होएगा मगर एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो है कि ये वाला हियरिंग एड हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, तो वहीं से आप हियरिंग एड प्रोक्योर कीजिए. प्रॉपर ट्रेन प्रोफेशनल से ही हियरिंग एड लीजिए, उसके बाद आप उनकी ट्रेनिंग करवा के फिर आप देखिए कि क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है.
आपने हियरिंग एड के बारे में बहुत सारी बातें बताई। एक चीज़ यहाँ पर कंपोनेंट छूट जाता है कि हियरिंग एड आफ्टर ऑल एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, और निश्चित रूप से उसकी देखभाल करना, उसको संभाल के रखना भी अपने आप में एक ज़रूरी चीज़ होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिन्होंने किसी न किसी हियरिंग एड को यूज़ कर रहे हैं या कर रहे हैं? सबसे पहले चीज़ तो ये है कि वो, जैसे कि अमित जी ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको हमें डेलिकेटली डील करना है। मेन बात तो ये कि उसको हमें गिरने नहीं देना है। दूसरा ये कि उसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ के ऊपर मत रखिए, क्योंकि इसके अंदर भी एक सर्किट है, तो इंटरफेरेंस हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप हियरिंग एड को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उसकी बैटरी निकाल के बाहर रख दीजिए। काफ़ी बार क्या होता है, पड़े पड़े बैटरी लीक हो जाती है और हियरिंग एड ख़राब हो जाती है। जब भी आपको लगे कि हियरिंग एड की आवाज़ आनी थोड़ी कम हो गई है, आप अपनी बैटरी रेगुलरली चेंज कर सकते हैं। और हियरिंग एड को साफ रखिए, उनके बटन्स को बहुत ऐसे हेस्टली जो है मैनेज मत करिए। और हियरिंग एड के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ईयर मोल्ड्स। ईयर मोल्ड्स वो हैं जिनसे हियरिंग एड आपके कान के अंदर फिट है, अगर वो ईयर मोल्ड वाली हियरिंग एड्स हैं। अगर इन द कैनाल वगैरह हैं वो तो फिर मशीन उसके अंदर ही फिट है। ईयर मोल्ड्स को भी साफ रखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली आवाज़ जो है वो ईयर मोल्ड्स के थ्रू ही जाएगी कान के अंदर। तो ईयर मोल्ड्स अगर डिटैचेबल हैं, उनको निकाल के गीले कपड़े से साफ करना, फिर ड्राई करना, वो सब करना बहुत ज़रूरी है। और जो बड़े लोग हैं उनको हियरिंग एड के बटन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर नहीं हो पा रहा तो आराम आराम से करें, और बैटरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर तार वाला हियरिंग एड है तो उसकी तार को ना ज़्यादा खींच के बंद मत करिए, क्योंकि तार तो कहीं भी बीच में से टूट जाएगी। तो तार को आराम से आप फोल्ड करके रख सकते हैं। जब आप हियरिंग एड को यूज़ नहीं कर रहे, उसको उसके केस में ही रखिए। तो ये कॉमन चीज़ें जो हैं छोटी मोटी, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हियरिंग एड खुद ब खुद ही मतलब सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज़ आप बार बार हियरिंग एड्स के ऊपर पैसे कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसको भी अपना एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारी यूनिफॉर्म का एक पार्ट होता है ना, उसी तरीके से हमें संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर एक इनर ईयर के में भी जो आपने डिवाइस फिट करने वाली बात की थी, अगर वो इनर ईयर में है तो उसे बार बार निकालना और इस तरह से फिट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता? नहीं, जो डिवाइस की बात मैं कर रही थी उसमें सर्जरी के थ्रू इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स मतलब ऐसे मेटल के होते हैं, वो कॉक्लिया के अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं। तो हमें उसको निकालना नहीं होता, जो जो इंटरनल पार्ट है वो परमानेंटली फिक्स्ड है अंदर। जो एक्सटर्नल पार्ट है वो एक हियरिंग एड, बीटी हियरिंग एड की तरह होता है, वो हम निकाल के उतार सकते हैं और रख सकते हैं। मगर जो इंटरनल है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको सर्जन ही कर सकता है। तो उसकी केयर एंड मेंटेनेंस का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मगर जो एक्सटर्नल पार्ट है उसका ध्यान तो हमने रखना है। जो बॉडी वॉर्न प्रोसेसर्स हैं दे आर वेरी कॉस्टली, दो चार बार अगर वो नीचे गिरेंगे तो वो तो खराब हो जाएंगे, उनकी कॉर्ड्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो एक्सपेंसिव हो या सस्ती हो, अल्टीमेटली वॉट मैटर्स इज दैट इज अ पार्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ आवर ईयर्स हैं। जैसे हम अपने कान का ध्यान रखते हैं, वैसे हम अपने हियरिंग एड का ध्यान रखना है। तो हर चीज़ तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितनी मेंटेनेंस कर पाते हैं चीज़ों की। और यहाँ पर आपने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात किया था ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में, वहाँ आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट चूज़ किया था कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एलेबोरेट करके इस चीज़ को बताएं, क्योंकि पेरेंट्स के पास में ही बच्चे का सबसे ज़्यादा टाइम बीतने वाला है, सबसे ज़्यादा वही उसके केयर करने की सिचुएशन में भी होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम समझें, और ख़ास करके पेरेंट्स की भूमिका में किस तरह से हम एक छोटा सा एक्सपर्ट सर्च कर सकते हैं जहाँ पर कि जिससे कि ये ट्रेनिंग ज़्यादा कारगर साबित हो। मेन चीज़ तो ये है कि जब बच्चे को हियरिंग एड लग जाता है तो एक प्रॉपर मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि हियरिंग एड को कैसे यूज़ करना है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि ड्यूरिंग द सेशन पेरेंट्स भी अंदर बैठें। अगर बच्चा थेरेपी के लिए जा रहा है तो हर बार सेशन में पेरेंट्स को अंदर बैठना है और सीखना है कि थेरेपी में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जो एक्टिविटीज़ उनको घर पे दी जाती हैं वो करें, और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको आके हमें बताना चाहिए, ताकि हम भी देखें कि इनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। और टाइम तो पेरेंट्स को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास बच्चा एक घंटा रहेगा,
23 घंटे जो है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ वो पेरेंट्स के साथ कर रहा है, तो पेरेंट्स को जितनी उन चीज़ों की समझ होगी, जितना उनका माइंड क्रिएटिव होगा, वो उतनी और नई नई एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि बच्चे को वो चीज़ जो है वो जनरलाइज हो जाए रोज़मर्रा की सिचुएशन में। आप ये देखिए, जब हम थेरेपी रूम में एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड सेट में होती हैं, मगर बच्चा जब उस रूम से बाहर जाता है तो उसको बहुत अलग चीज़ें फेस करनी है। उस समय उसको कैसे उन स्ट्रेटजीज का यूज करना है वो तो पेरेंट्स अगर सीख पाएंगे तो वही तभी उनको ट्रांसफर कर पाएंगे। इसलिए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे की ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है। बिल्कुल, और हम लोग अपने जैसे NIHH में हम लोग रेगुलर थेरेपीज देते हैं या और जगह भी होती हैं, तो हम लोग वी मेक इट अ पॉइंट दैट द पेरेंट हैज टू बी इनसाइड द थेरेपी रूम, ताकि वो खुद देख सकें कि हम कैसे कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो हमारे सेशन में, वही चीज़ उनको घर पे जाके करनी है। अगर पेरेंट बाहर बैठा है, हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, सिर्फ नोटबुक में नोट करने से कुछ नहीं होगा। दे हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम हार्ड वर्क तो वही करते हैं पेरेंट्स। एंड हमने ये देखा भी है कि जो पेरेंट्स मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग हैं, वही पेरेंट्स जो हैं उन्हीं के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, बेटर रिजल्ट उससे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ऐसे बच्चों के। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ हियरिंग एड प्रोवाइड कर देना, दैट इज़ नॉट द एंड, उसके बाद भी बहुत हार्ड वर्क है उनके। थैंक यू विभा जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमारे दोस्तों को। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा लाभ हमारे दोस्तों को ज़रूर मिला होगा। तो फ्रेंड्स, आपने पूरी परिचर्चा में यहाँ पर आपने ध्यान से सुना कि सबसे पहले बात तो जो हियरिंग इनकैपेसिटी होती है वो काफ़ी केसेस में हमारी अपने रीजंस की वजह से होती है। हमें अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम हम जिन रीजंस को अवॉइड कर सकते हैं उन रीजंस को अवॉइड करें, जिससे कि हमारे बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम पहली बात तो क्रिएट ही ना होने पाए। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने आई थी कि बच्चे के जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं वो उसके लैंग्वेज और स्पीच के डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए एज मच पॉसिबल कि आप अर्ली डिटेक्शन करें कि बच्चे में किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन है या नहीं है, और अगर है इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है तो आपको नज़दीकी एक डॉक्टर या जो एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में काम करने वाले उनसे संपर्क करना चाहिए, और एक अच्छे जो कहें हियरिंग एड के बारे में अप्रोच करना चाहिए। हियरिंग एड के अप्रोच के बाद में, जैसा कि हमारी मैम ने कहा, एक आपको ऑडिटरी ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है। उसके बगैर किसी भी तरह का हियरिंग एड बच्चे के लिए कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकता है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भूमिका के बारे में जहां पर हमने अभी अभी बात किया है कि किसी भी तरह के ट्रेनिंग की सक्सेस विदाउट पेरेंट्स पार्टिसिपेशन सक्सेस नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके जो भी एक्सपर्ट हैं वो आपके बच्चे के साथ बहुत ही लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन बाकी बच्चे का बाकी पूरा टाइम आपके साथ में आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में बीतने वाला है। इसलिए पेरेंट्स को पूरी तरह से इन्वॉल्व करके चलें, निश्चित रूप से इस तरह के सेशंस का एक अच्छा लाभ मिलेगा और बच्चा एक अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर पाएगा। इसी के साथ में ही अपने एक्सपर्ट को और आप सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।